की कोशिश करेंगे होटल बुकिंग वाले वाले में। अच्छा, इंटीग्रेशन हम ये कर चुके हैं, क्योंकि इतने दिन के बाद आ रहा हूँ ना मैं भी, थोड़ा मेरे जहन से निकल चुका है कि क्या हमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। टेलीग्राम हम कर चुके हैं, फ़ोन कॉल। हाँ, सलील ने मुझे बताया था कि ट्विलियो इन्होंने ख़रीद लिया है, तो टेक्स मैसेज वाला जो है हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा ख्याल इसी से शुरू करते हैं, क्या ख्याल है सलील? सही सही है। और वैसे जस्ट टू रिहैश, वो आप अपना एक्सडी पे खोल लेते हैं तो आपके पास वो डायग्राम पूरा। यस, एक्सडी पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें जो ट्विलियो SMS वाला था, ये हमने जो है ना छोड़ा हुआ था। हाँ, क्या मुझे जरा एक हमने टिश्यू पकड़ा दो, व्हाट्सएप किया, टिश्यू टिश्यू पकड़ा फेसबुक दो। मैसेंजर किया, टेलीग्राम किया, गूगल असिस्टेंट टेलीफोनी किया, रिएक्ट वेब ऐप किया, और ये बचता है फिर मेरे ख्याल से कौन सा, डिस्कॉर्ड और एक कोई आपने बताया था, वो बचता है इंटीग्रेशन में। बट ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ, मुझे ज़रा वो ट्विलियो का ना एक्सेस आप दें। जरूर, मैं अभी लॉग इन ही कर रहा हूँ। ये यहाँ से शेयर कैसे करते हैं? अगर अपनी स्क्रीन आप शेयर कर दें तो मैं आपको शायद गाइड कर पाऊँ। मैंने शेयर की है। हाँ, शेयर किए? 1 मिनट जी, ना अच्छा गलत कर दिया मैंने। आ गई मेरे पास स्क्रीन आपकी। जो सेटिंग्स हैं अकाउंट में जाइएगा जरा। मैनेज यूजर्स, यस, ऐड न्यू यूजर, डेवलपर। आपका ईमेल क्या है यहाँ पे? malikasingar@gmail। तो भाई थोड़ा जूम कर देंगे। ये मैं बस मलिक भाई को ये दे रहा हूँ, एक्सेस दे रहा हूँ, और फिर मलिक भाई के यहाँ से ये कर लेते हैं। मैं बस उन्हें एक्सेस देने के लिए, मुझे पता नहीं था ये कैसे देते हैं इसके लिए। अच्छा, आपके पास आ जानी चाहिए अब तक मेरे ख्याल से। हाँ, मैं अपना मेल अभी ये देख रहा हूँ, और ये इनविटेशन आ गया मेरे पास। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी होपफुली। जी, पासवर्ड तो मैं इसका भूल गया कि क्या था। गूगल क्रोम से लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ से नहीं लाते, मैं अपने फ़ोन से लाता हूँ। ये स्क्रीन की वो शेयर्ड है ना। अच्छा जी, गूगली क्रोम ओपन हो गया, और उसके बाद में गया सेटिंग्स, उसके बाद में गया पासवर्ड।
सर आपकी फुल स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अलग अलग हो रही है। ये आपको करना पड़ेगा लेआउट में जाके ना, चेंज लेआउट और स्पॉटलाइट, ये करना पड़ेगा आपको। सही है। जी सर, तो इसने मुझे एक अदद मैसेज भेज दिया। अच्छा, मैसेज तो अभी तक नहीं आया इनका। नंबर तो वही है ना, तो हाँ, नंबर तो यही है। रीसेंट कोड करा दे। हाँ, रीसेंट करके देखते हैं। ये वाला करते हैं, रिसीव अ कॉल। रिसीव अ कॉल, हाँ। रीसेंट कोड वापस टाइप करना पड़ेगा। कोड आ गया, कोड अब आया इनका। इनका कोड आया है 08 36 529। हमजा आप क्या कह रहे थे, आवाज आपकी कट गई। नहीं कह रहा था कि सर की मेरे पास ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सर की पिक्चर शो हो रही। अरे यार तुम राइट में और ये देखो, स्क्रीन्स देखो वहां पे, फिर पिन करो जहां पे सर की स्क्रीन शेयर होगी। सही है। एक्सेप्ट इनविटेशन। ओके जनाब, मेरे पास ये आ चुकी है। मेरे ख्याल है माई फर्स्ट ट्विलियो अकाउंट ये वाला आ रहा है आपका। सलील, यही है जी आपका? जी 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 यही होगा। हाँ, माय फर्स्ट ट्विलियो अकाउंट है। अच्छा जी, अब हम इसमें आ जाते हैं। डेवलप और मॉनिटर दो हैं इसमें। एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स करते हैं। ये पहले यहाँ पे कुछ पहले से पिन करते थे, अभी ना पहले से पिन कुछ भी नहीं कर रहे होते। ये मैसेजिंग को पिन कर देते हैं और आपके जो है फ़ोन फोन नंबर को पिन कर देते हैं। बस यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फ़ोन नंबर्स में गए हम और मैनेजर में गए। मैनेज में जाने के बाद मैंने कहा पहले एक्टिव नंबर्स। बाय करना पड़ेगा ना पहले। एक नंबर वो डैशबोर्ड पे शो कर रहा था, शायद वो है आपके पास। ये एक्टिव नंबर है। सही अच्छा है, ये है। एक पहले से आपने अकाउंट बनाते समय ना ये एक विजर्ड देता है। अच्छा अच्छा, तो ये हमें मेक श्योर करना था कि एक नंबर हमारे पास मौजूद है ट्विलियो का। अच्छा, सही। दूसरे नंबर पे जाके मैं क्या करूँगा, वेरीफाइड कॉलर आईडी पे ना मैं चेक करूँगा कि जो मेरा नंबर है जिस पे मैं मैसेज जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो वेरीफाइड कॉलर आईडी में उसको शामिल कर दूँगा। उससे बेनिफिट ये होगा सही। कि इनकी जो प्राइसिंग है ना, अगर मैं ट्विलियो की प्राइसिंग में जाऊँ तो ये पर मैसेज पैसे चार्ज करता है। तो अगर हम वेरीफाइड कॉलर आईडी में डाल देते हैं ना तो उससे हम बच जाते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं प्राइसिंग में जाके कि आया वो कितने चार्ज कर रहा है और इफ़ इट इज़ वर्थ के हम जाके बाकायदा अपना उसमें डालें, क्या कहते हैं, वेरीफाइड में। अच्छा, प्रोग्रामेबल मैसेजिंग में जाता हूँ मैं और स्टार्टिंग फ्रॉम 0075 टू सेंड और रिसीव अ मैसेज। अच्छा, ये क्या यार, नेदरलैंड्स बस एक ही आ रहा है। वेल, ऑलमोस्ट एक ही होगा, ज़्यादा मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं होगा। पे एज यू गो, क्लीन नंबर्स।
यार इसमें सारी कंट्रीज आ रही होती हैं, इसमें पता नहीं सिर्फ एक शो कर रहा है, ऐसा समझ में नहीं आया क्यों है। अपने आप पे भी टेस्ट करता हूँ है ना, ये ड्रॉप डाउन में एक ही जस्ट शो कर रहा है। वेल तो पॉइंट मेरा ये है कुल मिला के, इसको मैं काम करता हूँ सिर्फ यूआरएल में। मेरे ख्याल से वो रीड नेदरलैंड्स कर रहा है इसके लिए मेरा। हाँ वो एक्चुअली मेरे पास ना ये वीपीएन लगा हुआ है, वो नेदरलैंड्स पकड़ रहा होगा इससे। हाँ इसके लिए, इसलिए वो एनएल आ रहा है। अच्छा मैं उसको यूएस कर देता हूँ हाथ से, देखते हैं फिर क्या होता है। या मैं अपना वीपीएन बंद कर देता हूँ। अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स आ गया ये। अच्छा अब ये यूनाइटेड स्टेट टू यूनाइटेड स्टेट आमतौर पे हम चेक कर रहे होते हैं क्योंकि ज़्यादा मैसेज ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लिए ऐप बनाते हैं तो वहीं के नंबर होते हैं जिनसे मैसेज आ रहे होते हैं। तो अगर पे एज यू गो वाली प्राइसिंग है हमारी, तो लोकल नंबर्स यानी ये फ़ोन नंबर जितने भी होते हैं वो लोकल नंबर काउंट होता है। तो उसमें सेंड अगर आप करेंगे मैसेज, सेंड का मतलब क्या है कि ट्विलियो से अगर उस नंबर पे मैसेज जा रहा होगा, जिसको आउटबाउंड मैसेज भी कहते हैं ये, उसके ये पैसे चार्ज होंगे। अच्छा हमें थोड़े से डॉलर समझ में इतने नहीं आते, तो हम इसको ना ज़रा कन्वर्ट मार के देखते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं। लेकिन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 cents, 7.5 cents फॉर 10 मैसेजेस। हाँ तो ये 1 पाकिस्तानी रुपीस बनता है हमारे, सही है। और अगर मैं इसको INR में करूँ इंडियन रुपीस में, तो तकरीबन आधे पैसे बनते हैं, 50 पैसा बनता है इंडियन रुपीस में, या 50 सेंट कह लें इंडियन रुपीस में। तो ये 1 रुपये पर मैसेज आपको भेजने का। और आमतौर पे आपके सिम पे जो मैसेजेस रिसीव होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त आपको मैसेज कर रहा है तो आपको चार्जेस नहीं पे करने होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको अगर कोई कस्टमर आपका ट्विलियो के नंबर पे मैसेज भेजता है तो उसके लिए भी आपको पे करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम प्राइस है यूनाइटेड स्टेट्स से अगर कोई बंदा आपको मैसेज करता है तो, ठीक है। अच्छा अब अगर किसी दूसरी जगह से कोई मैसेज करता है बंदा, तो आपको ना अकॉर्डिंगली एक यहाँ पे वो भी लिस्ट आ रही होती है, वो उसको इंटरनेशनल मैसेज काउंट कर रहा होता है। तो ये जैसे एंटर कंट्री है, मैंने कहा भाई पाकिस्तान, ठीक है, सेंड मैसेज टू पाकिस्तान। अगर मेरे पास नंबर US का ख़रीदा हुआ है मैंने, और मैं किसको सेंड करूँगा मैसेज, पाकिस्तानी नंबर पे सेंड करूँगा इस ट्विलियो से, तो मुझे ना अगर जोंग का नंबर होगा तो मुझे ये पैसे चार्ज होंगे पर मैसेज के, ठीक है। अब इसको हम लगा लेते हैं ज़रा कि क्या बन गया ये। ये आपके 24 रुपये बन गए, सही है। तो ट्विलियो पे जो मैंने नंबर ख़रीदा हुआ है, अगर वो नंबर मेरा यूनाइटेड स्टेट्स का है, प्लस 1 का कोड का वो नंबर है, और उससे मैं अगर मैसेज भेजता हूँ पाकिस्तान के नंबर पे, तो मुझे ये वाले पैसे चार्ज होंगे, यानी इंटरनेशनल मैसेज के तौर पे वो पैसे चार्ज कर रहा होगा। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ही लिख दूँ इसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर भेजूँगा मैं, तो आप ये नोट करें ये बहुत ही कम है, सही है। अच्छा अब मैं वापस से जो है ना यहाँ पे, अगर मैं पाकिस्तानी नंबर भी मिल जाते हैं इसके ऊपर बाय द वे ना, तो मैं अगर PK लिखता हूँ उसकी भी हम ज़रा देख लेते हैं कि भाई अगर मैंने पाकिस्तानी नंबर ख़रीदा हुआ है, क्योंकि ये प्राइसिंग समझना बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा अब ये केस उसमें आ गया कि मैंने पाकिस्तानी नंबर ख़रीदा हुआ है, और ये NA क्यों लिखा हुआ है भाई इसमें, अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा अवेलेबल ही नहीं है मैं, आई थिंक। वेल अब मैं नीचे जाके ये भी चेक कर लेता हूँ कि जो है ना पाकिस्तानी नंबर अगर मैंने ख़रीदा हुआ है और उसमें मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे अगर मैसेज भेजता हूँ, तो वो भी ज़ाहिर इंटरनेशनल मैसेज उसको चार्ज कर रहा होगा। अच्छा नहीं, US में भेजने के स्टिल कम है। तो हमारे लिए बेस्ट यही रहता है ट्विलियो के ऊपर कि हम US का नंबर ख़रीदें, ठीक है, और जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी पाकिस्तानी नंबर से, तो हम उसको क्या करें, क्योंकि अभी अगर मैंने इस नंबर से एक मैसेज भेजा मेरे इस पाकिस्तानी फ़ोन में, तो 24 रुपये के हिसाब से कटेंगे, या 0.1 डॉलर कटेंगे। तो मैं आ गया वेरीफाइड कॉलर ID में, और वेरीफाइड कॉलर ID में आने के बाद मुझे अब ये पता लग चुका है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेरीफाइड कॉलर ID ऐड करना। मैंने कहा ऐड अ न्यू कॉलर ID,
और यहाँ ये पे कहाँ पे आगे लिखा है कि, सॉरी माफ करना, ये कहाँ पे लिखा है कि वेरीफायर कॉलर आईडी से चार्ज नहीं होता? यार ये तो पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बस ये ऐसा ही है। मतलब अभी मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन ऐसा है। सही है, सही है, तुम आपने पढ़ के रखा है, हाँ मतलब ये सही है ऐसे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। सही है सही है। अच्छा, मैंने कहा भाई पाकिस्तानी नंबर है मेरा जो वेरीफाइड कॉलर आईडी है, और मैंने कहा 302-200-4480, और इस पे मैंने कहा भाई आप कर दो SMS। अब ये मुझे भेजेगा कोड, इस दफ़ा कोड जल्दी आया इनका, 8090-4043। ठीक है, अब ये मेरे पास वेरीफाइड कॉलर आईडी शो हो चुका है। अच्छा, तो अब ये हो गया। अब हम चले जाते हैं जनाब मैसेजिंग में, और मैसेजिंग में मैं क्या करता हूँ, ओवरव्यू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे ना हर आने और जाने वाले मैसेज यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, कि अगर मैं कोई मैसेज करूँगा या कोई रिसीव करूँगा इस पर, तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होती हैं। अच्छा, ये क्योंकि नया अकाउंट है, तो ये स्टार्ट सेंडिंग मैसेज करके इसने यहाँ पे बता दिया। चलो स्टार्ट सेंडिंग मैसेज, ये असल में शुरू में एक दफ़ा ही करके दिखा रहा होता है। अरे यार, ये तो मुझसे पूरा वो प्रोसेस करवाएगा। वेल, मैं ये करता हूँ डायरेक्ट जाके ना नंबर के ऊपर अपने मैं वेबहुक लगा देता हूँ, एक्टिव नंबर्स। मैं एक्टिव नंबर्स पे गया, और एक्टिव नंबर पे जाने के बाद ये देखें, शुरू में ना एक पहले से वेबहुक इसमें लगा हुआ है एक डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं इस वाले वेबहुक को हटा के अपना वाला लगाऊंगा मैं। सो ये वॉइस और मैसेजिंग दो अलग अलग देता है हाँ एसेंशियली हाँ वेबहुक्स। अगर हाँ वॉइस का सीन ये है कि कोई कॉल करेगा ना अगर आपको, तो भी आप उसको प्रोग्रामेटिकली हैंडल कर सकते हैं उस कॉल को ना, कि उस कॉल में क्या जवाब देना है, उससे आया कि कोई DTMF इनपुट लेना है। ठीक है, वो जो कहते हैं कि भाई आप ये नंबर डायल करें, तो वो सही DTMF इनपुट लेना है, या उसको कोई MP3 फाइल सुनानी है, वो सारी चीज़ें इसके सही अंदर पॉसिबल हैं। पूरा चैटबॉट इसमें वॉइस में भी बन सकता है, कि कोई बंदा कॉल करे आपको, कॉल करके उसको एक वेलकम मैसेज सुनाएंगे आप, कि यार वेलकम टू द पिज़्ज़ा शॉप, ये वो हमारे पास फला फला सही फ्लेवर है, आप बोलो क्या चाहिए आपको। फिर बंदा बोलता है, हम 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो रिकॉर्डिंग को फिर हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, डायलॉग फ्लो भेज के वहाँ से हम रिस्पॉन्स मंगवाते हैं, और फिर वो रिस्पॉन्स हम यूज़र को सुनाते हैं। तो इस तरह पूरा चैटबॉट इसमें हम बना सकते हैं, और मैंने बनाए भी हैं अच्छा, एक दो क्लाइंट्स के लिए। इनके पास भी मतलब स्पीच टू टेक्स्ट का एपीआई या ऐसे हाँ, ये कुछ है ट्रांसक्रिप्शन ये मतलब। खुद भी देते हैं, लेकिन वो जब अच्छा मैंने जब बनाया था इसमें आखिरी दफ़ा, तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन ना थोड़ी लेट आती है, तकरीबन 2 से 2.5 सेकंड लेट आती है। जब बंदा बोल सही जाता है ना बोल के, तो वो MP3 मुझे पहले दे देता है उसके साउंड का, सही और सही मुझे वो ट्रांसक्रिप्शन ना कुछ सेकंड के बाद देता है। तो गूगल का जो मैंने लगा दिया था उसमें स्पीच टू टेक्स्ट वाला, तो गूगल वाला जल्दी दे दे रहा था, तो फिर मैंने वो यूज़ कर लिया। और यही वाला नंबर फिर व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो जाता है। सही हाँ, लेकिन नंबर खरीदते हुए ना वो बना हुआ आ रहा होता है उसमें। जैसे मैं वापस अगर नंबर वाले पेज में जाता हूँ, तो आप नोट कीजिएगा इस नंबर पे व्हाट्सएप लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है ना, वॉइस है, SMS है, MMS है, इस पे व्हाट्सएप लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब मैं अगर नया नंबर बाय करने के लिए देखूँगा, अगर बाया नंबर, तो आप देखिएगा कुछ नंबर ऐसे होंगे जिन पर व्हाट्सएप भी बना हुआ आ रहा होगा। तो अच्छा मैंने कहा भाई यूनाइटेड स्टेट्स, और अच्छा व्हाट्सएप वाले तो यहाँ भी नहीं दिख रहे नंबर। ये मोबाइल से ऐड करना पड़ेगा हमें ऊपर। नहीं, मोबाइल से भी नहीं। बल्कि हम देख लेंगे कि ये वाला नंबर आया कि कनेक्ट हो सकता है या नहीं, सही क्योंकि लास्ट जहाँ तक मुझे ऐसे याद पड़ रहा था कि इसमें कुछ नंबर अलग होते हैं जो व्हाट्सएप सपोर्टेड नंबर्स होते हैं। तो सही मेरे ख्याल है वो शायद व्हाट्सएप वाले सेक्शन में जाके भी हम देख सकते हैं उसको, कि क्या सीन है, क्योंकि
क्योंकि व्हाट्सएप की ना कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं अभी रिसेंटली, प्राइसिंग भी उसकी कम हो गई है, पर सेशन के हिसाब से कर दिया है प्राइसिंग, तो मे बी इनके पास भी चीज़ें चेंज हुई हों, कि हो सकता है अब हर नंबर पे कनेक्ट हो जाता हो व्हाट्सएप, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वेल, एक्टिव नंबर पे मैं गया, और एक्टिव नंबर पे जाने के बाद ये वेबहुक अब मैंने चेंज करना है, इस वेबहुक की जगह पे मैंने अब अपना वेबहुक लगाना है, उससे फिर होगा ये कि अब इस नंबर पे जो भी मैसेज आएगा और तो वो मैसेज क्या होगा, इस वेबहुक में मुझे वो मैसेज मिल रहा होगा। ठीक है जी, तो अब मैं कोड अपना ओपन कर लेता हूँ, और मेरा कोड जो है वो किधर है, ये VS कोड में जी मेरा कोड मौजूद है। डायलॉग फ्लो, अच्छा ये मेरा वेबहुक था, और इसी में कहीं पे मेरा ट्विलियो का वेबहुक भी था, ये मेरा ट्विलियो का वेबहुक है जो हमने एक ही दफ़ा बना लिया था। अच्छा, और ये वाला जो ट्विलियो का वेबहुक है, थोड़ा सा शायद मुझे ज़ूम आउट करना पड़ेगा इसको, हमने ट्विलियो का वेबहुक बनाया था लेकिन फिर हमारे पास ट्विलियो का फोन नंबर नहीं था, इसके लिए हमने व्हाट्सएप से कनेक्ट किया था। अच्छा, व्हाट्सएप पे और उस पे ना इंटरफेस सेम ही है इसका, यानी जिस तरह ये व्हाट्सएप पे काम करता है सेम, इसमें बगैर कोई चेंज किए ये मैसेजेस पे भी काम करना चाहिए इसको, तो मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें करनी पड़ेगी। टू डू कॉल डायलॉग फ्लो, अच्छा इस पॉइंट पे हमें डायलॉग फ्लो कॉल करना था, तो वो कोड हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, वो हम कोड लिख चुके हैं, डायलॉग फ्लो कॉल कर चुके हैं हम इस पॉइंट पर, ठीक है, सेशन आईडी दे चुके हैं हम उसको, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम क्या कर चुके हैं, उसको रिस्पॉन्स में करके और रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग में लगा चुके हैं। अच्छा, तो पहले तो इसको हम रन कर देते हैं इस सर्वर को, ये सर्वर क्योंकि जो है अभी क्या है रन नहीं हुआ हुआ है, ठीक है, ये मेरा सर्वर रन हो गया सबसे पहले नंबर पर। अच्छा, दूसरे नंबर पर मुझे एन जी रॉक चलाना पड़ेगा अपना, ठीक है, एन जी रॉक मैंने चला दिया यहाँ पर, ताकि इस सर्वर का मुझे क्या मिल जाए, एक वो मिल जाए, कॉपी किया मैंने इसको, और ये HTTP वाला लेते हैं या HTTPS वाला लेते हैं, HTTPS वाला, सॉरी HTTPS वाला देते हैं जहाँ पर भी चाहिए होता है ना। अच्छा, तो मैं जाके अपने जो मेरा ट्विलियो था इस नंबर के अंदर गया मैं, इस नंबर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे वो एन जी रॉक लगा दूँगा, ये मेरा वेबहुक है, जब कॉल आए तो वेबहुक ये वाला चले, और जब SMS का भी होगा इसमें ये रहा, जब SMS आए तो कौन सा वेबहुक चले, मैसेज कम्स इन तो ये वाला चलेगा वेबहुक, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा, पेस्ट करने के बाद मुझे स्लैश ट्विलियो वेबहुक भी चाहिए, ये आगे जो इसके ये वाली बात लगी थी, ये वाली बात भी मैंने यहाँ लिख दी, और मैंने कहा पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, पोस्ट ही बनाया हुआ मैंने HTTP app डॉट पोस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट, तो इस वाले पे ये पोस्ट की रिक्वेस्ट कर देगा। अच्छा, ये करके मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे एक अदद मैसेज करके ट्राई करता हूँ, मैंने जनाब एक जो है ना अपने पास इस नंबर पे मैं मैसेज कैसे करूँगा भला, +1 +1 उसके बाद है 325 4137 861 और
हाय, ये मैंने हाय लिख के भेजा है। तो अब ये जो मैंने, हाँ सुन, ये जो मैंने हाय लिख के भेजा है इस नंबर पे, ये मेरे पास ना यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। अच्छा, मेरा नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा जो नंबर है उसके उसके लास्ट में क्या है, 8010 मेरे नंबर के लास्ट में, एक कैनेडियन नंबर मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। सही है। अच्छा, कंट्री भी शो कर रहा है ये। क्वेबेक से। अच्छा, मेरा नंबर लेकिन शो नहीं हो रहा है यार। अच्छा, ये हो रहा है 8010, ये नंबर शो हो रहा है मेरे पास। अच्छा, तो ये मेरे पास जो जो मैंने इस फ़ोन से जो जो मैसेज भेजा है, मैं इस फ़ोन से जो मैसेज भेज रहा हूँ, तो जो मेरे पास से जो चार्जेस कटने चाहिए ना फ़ोन के, मतलब मैसेज के स्टैंडर्ड, वो मेरे पास से कटेंगे। ठीक है, तो यानी मैं एज अ कस्टमर मैसेज कर रहा हूँ, जो SMS भेज रहा हूँ, तो मेरे पैसे यहाँ से स्टिल चार्ज होंगे जितने होने चाहिए। अच्छा, मैंने उसके लिए क्या किया हुआ है, एक टैक्स नाओ करके एक ऐप है, वो दिखने में ना ऐसी है, ये कोने में छोटा सा ऐप दिख रहा है आपको, ये पर्पल कलर का, तो ये ऐप है टैक्स नाओ। अच्छा, ये पाकिस्तान में वैसे तो अवेलेबल नहीं है स्टोर पे, लेकिन स्टोर अगर आप ना चेंज कर लेना, आप USA या किसी दूसरी कंट्री का स्टोर लगा लें इस पे, तो आपको ये ऐप डाउनलोड हो जाती है। और जो लोग एंड्रॉयड पे हैं, वो APK मिरर से या इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म से ना, जो जो AC मार्केट है, जैसे थर्ड पार्टी जो ऐप स्टोर हैं, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे हो जाता है ये। तो ये क्या करता है, आपको एक नंबर दे देता है USA का या USA टेरिटरी, जो +1 की जितनी भी टेरिटरी है ना, जो कनाडा हो गया और USA के जितने भी स्टेट्स, तो सबका नंबर आपको ये दे देता है। और US-to-US कॉल और SMS टोटली फ्री है इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से मुझे, मैं यहाँ से मैसेज कर पा रहा हूँ इजली। अगर मैं अपने पाकिस्तानी नंबर से मैसेज करूँगा, तो मुझे इंटरनेशनल मैसेज के लिए, जो जो टेलीनॉर का मेरे पास नेटवर्क है, तो टेलीनॉर मुझे इंटरनेशनल SMS के लिए चार्ज करेगा, क्योंकि मैं +1 के कोड पे ना मैसेज भेज रहा हूँ। तो मैंने हाय जो लिख के भेजा, उसका मुझे रिस्पांस नहीं आया कोई, ये क्या सीन हुआ। दोबारा मैं हेलो लिख के भेजता हूँ, हेलो तो यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा मेरे पास कोई। ओके, गॉट इट, ये मुझे समझ आ गया रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। रिस्पांस इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा जो डायलॉग फ्लो है, जब यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, तो ये डायलॉग फ्लो को कॉल करता है, और डायलॉग फ्लो तो मेरा है बंद, क्योंकि डायलॉग फ्लो में वेबहुक लगा, जो हम NG रॉक लगा रहे थे, तो वो, हाँ वो जो है ख़राब हुआ हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ कि इतने को ना थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, ये जो हमारा पूरा डायलॉग फ्लो वाला है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। और थोड़ी देर के लिए रोक कर क्या करता हूँ, मैं एक हार्ड कोडेड इसमें रिस्पांस लगा देता हूँ, मैं एक हार्ड कोडेड रिस्पांस लगा देता हूँ ये लास्ट वाली लाइन में। ये क्या हो रहा है, मेरा PC पूरा हैंग हो रहा है। कोई ऐसी ऐप है जो पीछे रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, पता नहीं किस चीज़ की। वेल, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे मैंने लिख के लगा दिया रिस्पांस फ्रॉम वेबबुक ना, हार्ड कोडेड रिस्पांस मैं भेजता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए इसमें से, ताकि मुझे ये मेक श्योर करना चाह रहा हूँ मैं कि मेरा जो कनेक्शन है ट्विलियो के साथ, वो कनेक्शन मेरा जो है वो परफेक्टली हो चुका है कि नहीं हो चुका। ठीक है जी, तो ये मेरा जो ट्विलियो वेबहुक था, इसका जो सारा का सारा कोड था, उसको मैंने कमेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए, और एक हार्ड कोडेड रिस्पांस यहाँ से मैंने लगा दिया। अब मैं अगेन यहाँ से मैसेज भेजता हूँ इसको, और मैं हाय लिखता हूँ, और हाय लिख के मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे रिस्पांस मिले। अरे, एक तो मैंने गड़बड़ कर दी ना,
वो मैंने गड़बड़ ये कर दी, मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा। उसका रीज़न मैं समझाता हूँ क्या है। मैंने वेरीफाइड कॉलर आईडी में जो नंबर ऐड किया था वो मैंने अपने पाकिस्तानी नंबर ऐड कर दिया था, और मैसेज मैं कर रहा हूँ किसी और नंबर से, तो इसलिए मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा। ये इसका रीज़न ये है कि कॉलर आईडी में नहीं है, लेकिन लाइक यू नो कस्टमर का किसी और का ये भी तो कॉलर आईडी में नहीं हो सकता था, ये पब्लिश करने के बाद सबके लिए अवेलेबल नहीं, नहीं, नहीं। असल में एक रीज़न और भी है इसका, एक रीज़न और ये है कि ट्रेल वर्जन में ना वो बिना वेरीफाइड कॉलर आईडी वाले को वो मैसेज ही रिप्लाई ही नहीं करता। जब ये ट्रेल जो है ना आपका ट्रेल वाला वर्जन, इसमें वो जो जब तक आप वेरीफाइड कॉलर आईडी में ऐड नहीं करते वो रिप्लाई नहीं करता। अभी अगर मैं जाके ज़रा देखूँगा ना नंबर के लॉग्स, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे कई नंबर के लॉग्स भी आ रहे होते हैं, एसएमएस लॉग्स कहाँ से आते हैं, एक्सप्लोर प्रोडक्ट में जाके लॉग्स लिखता हूँ, मॉनिटर में होगा, मैसेजेस में होंगे ना लॉग्स, ये तो फोन नंबर था, ये रहा लॉग्स में गया, मैसेजिंग में गया, इसमें लॉग्स में ना एक एरर भी शो कर रहा होगा ये कि यार आप ना, ये रहा इनकमिंग मैसेज आया है, रिसीव्ड है, और इसके अंदर मैं जाऊँ अगर तो ये मुझे बॉडी भी दिखा रहा है कि हाई लिख के भेजा है बंदे ने, सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने लिख कर मैंशन कर दिया कि वाइल योर अकाउंट इज़ इन ट्रेल मोड यू मे ओनली सेंड मैसेज टू वेरीफाइड नंबर्स, अपग्रेड टू फुल ट्विलियो अकाउंट टू सेंड एनी फोन नंबर। तो ये अभी मतलब अगर कोई कस्टमर जनरली आपको अगर मैसेज करेगा तो उसको रिप्लाई नहीं करने देते ये, ठीक है। ये एरर का कोड आपका आ गया, और ये एरर वही बात दोबारा इसने यहाँ पे कह दी। तो जब हम ट्रेल में होते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ऐसे भी रहता है कि मजबूरी है इसमें ऐड करना। वेल, तो मैं अपना ये नंबर ज़रा दोबारा जाता हूँ वेरीफाइड कॉलर आई डी में। ओ ओ, मैं गलत ऑप्शन में आया हुआ था, वेरीफाइड कॉलर आईडी में जाता हूँ मैं, और ऐड अ न्यू कॉलर आईडी बोलता हूँ, और मैं कहता हूँ प्लस वन फाइव वन फोर सिक्स वन थ्री एट ज़ीरो वन ज़ीरो, और मैं कहता हूँ जी आप एसएमएस करो। कनाडा देना पड़ेगा शायद। अच्छा, ये जरा कुछ और सीन हो गया, मैं चाह रहा था कॉल कर लूँ मैं, लेकिन वो आया मैसेज यूएसए कनाडा शिफ्ट करके देखना एक बार। नहीं, एक्चुअली जो मेरे पास ये टैक्स नाउ की ऐप है ना, इन्होंने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है अभी। ये वेरिफिकेशन कोड जब मैं मंगवाता हूँ ना तो ये मुझे मना कर देता है, कहता है वेरिफिकेशन कोड जो है ना वो लॉक है, वो पेड वर्जन आप उसके लिए लो तो फिर वेरिफिकेशन कोड दिखेगा। अच्छा, कॉल इन्होंने यहाँ से डिसेबल किया हुआ है। ये थोड़ा उल्टा सीन हो गया हमारे साथ। कोई नहीं, मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ, आप ये जो नंबर डाला हुआ है ये वाला, ये आपका नंबर है? मेरा है। हाँ, मेरा है। हाँ, तो बस आप मैसेज करें और आप बताएं फिर कि उसमें रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। किस नंबर को मैं मैसेज कर रहा हूँ? ये ट्विलियो का जो नंबर है उसको मैसेज कर रहे हैं आप, और ट्विलियो का नंबर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, 325 313 413 7861। हाँ, रिस्पॉन्स फ्रॉम वेबुक आ गया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे दिख रहा है लॉग में, यहाँ पे मुझे लॉग में दिख रहा है कि इस नंबर से एक मैसेज आया था, ठीक है, और फिर हमने उसको रिप्लाई किया है। अभी रिप्लाई में ऐसे जाकर देखूँगा ना लॉग में, तो मुझे रिप्लाई में दिख जाएगा क्या गया है।
रिप्लाई की बॉडी नहीं दिखा रहा, ये दिखाना चाहिए था वैसे उसको। सेंड फ्रॉम ट्विलियो ट्रेल अकाउंट रिस्पॉन्स फ्रॉम वेबुक, इस ये वाला रिस्पॉन्स गया है। अच्छा, इन्होंने रिस्पॉन्स में भी एक वो लगाया हुआ प्रीफिक्स के सेंड फ्रॉम ट्रेल अकाउंट, बताओ यार ज़रा, हर जगह लगा रहे हैं। अच्छा, और मुझे यहाँ पे दिख भी गया और ये रिस्पॉन्स फ्रॉम ट्विलियो वेबुक आ गया। ये अब मुझे मेक श्योर हो चुका है, मेक श्योर कर लिया मैंने कि मेरा वेबुक से कनेक्शन हो चुका है, ट्विलियो का नंबर पे जब भी मैसेज आएगा तो वेबुक पर आएगा। तो मैं अब इसको रोकता हूँ जो हार्ड कोडेड किया था, और मैं अपना एक्चुअल जो कोड है उसको वापस से इनेबल करता हूँ। अच्छा, अब इस कोड में वो असल में जवाब उसको इसलिए नहीं मिल पा रहा था कि मेरा जो डायलॉग फ्लो की जो ऐप बनी हुई है मेरे पास वो बंद है, अभी वो चल नहीं रही है अभी। तो मैं ज़रा डायलॉग फ्लो में जाता हूँ और उस ऐप को ज़रा चला देता हूँ। इस सेंस में वो बंद है कि उसका वेबहुक लगा हुआ नहीं है अभी अपडेटेड वाला। अच्छा, मैं चला जाता हूँ अब अपने वो हेलो वर्ल्ड वाले में जो हमारी ऐप है। हेलो वर्ल्ड एजेंट था आई थिंक हमारा, हाँ हेलो वर्ल्ड एजेंट MCDR, हाँ हेलो वर्ल्ड एजेंट MCDR यही है। अब यहाँ पे जाके मैं गया फुलफिलमेंट में, और फुलफिलमेंट में ये पुराना जो एनजी रॉक था उसको हटा के मैं क्या करता हूँ, मेरा नया वाला, ओके एनजी रॉक में दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी, और ये मैंने नया वाला एनजी रॉक लगा कर सेव कर दिया यहाँ से। अब जबकि मैंने सेव कर दिया है तो मेरा जो चैट बॉट है डायलॉग फ्लो का वो फंक्शनल हो चुका है। तो अब जबकि ये चैट बॉट मेरा फंक्शनल हो चुका है तो अब क्या होना चाहिए, अब मुझे जो रिप्लाई मिलना चाहिए इसमें से चैट बॉट में से, ठीक है, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें बंद है। अच्छा सलील जी, अब हाय ज़रा बोल कर देखिएगा और चेक कीजिएगा कि उसमें क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। की हुई आपने स्क्रीन शेयर जी, ग्रेट। Send from Tulia. Hi, I'm your pizza delivery assistant. How may I assist you? Which one would you like to have? Place order boliyega isko zara. अच्छा ये लास्ट वाले का ना, इसने रिप्लाई नहीं दिया। एक्चुअली वो हुआ ही है इस वजह से वो नहीं दे पाया लास्ट वाले का रिप्लाई, क्योंकि मैं जो ट्विलियो का मेरा जो सॉरी मेरा जो डायलॉग फ्लो का वेबहुक है उससे मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो लास्ट टाइम जो हमने किया था कि जो लास्ट वाला रिस्पॉन्स आता है उसमें मैंने पेलोड में टैक्स रख के भेजा था एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मुझे SSML भी भेजना था और टैक्स भी भेजना था। तो मैंने इसमें SSML रख के भेजा था और टैक्स को मैंने पेलोड में रख के भेजा था, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जाहिर है जैसे अब मैं पहले कर रहा था ना कि भाई डायलॉग फ्लो को कॉल किया और वहाँ से रिस्पॉन्स आया डायरेक्ट, और उस रिस्पॉन्स में से मैं क्या निकाल रहा था, प्लेटफॉर्म अनस्पेसिफाइड करके मैं ढूँढ रहा था और उसमें ईच मैसेज .text .text करके निकाल रहा था मैं। तो मुझे यहाँ पे भी अब कंडीशन लगानी पड़ेगी
कि भाई अगर पेलोड मौजूद है ठीक है तो उस तरह से करो, जैसे ये टॉक टू चैट बॉट जो था जब हम रिएक्ट से कॉल कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये लॉजिक एक लगाई थी एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई थी कि भाई अगर कस्टम पेलोड अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर उस सूरत में आप क्या करो कि जो है ना कस्टम पेलोड वाला रिस्पॉन्स दिखाओ। ठीक है, ये वाली बात समझ आई सलील आपको ये क्या हुआ है? जी जी समझ आ गई, पूरी समझ आई। तो मैं एक काम करता हूँ कि यही वाला, अच्छा ये सजेशन चिप वगैरह तो मुझे एसएमएस पे जाहिर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ये जस्ट जो कस्टम पेलोड वाला है ना लॉजिक है ये पूरा मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और ये मैं पूरा उठा के वहाँ ले चलता हूँ। हमारे पास जो ट्विलियो वाला जो वेबबुक है वहाँ पर, ठीक है यहाँ पे इस जगह पे मैं रिस्पॉन्स के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से पुश होता है मैसेज, इसको मैंने कट किया, हटा दिया इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये जो पुश ऐसे करके होता था वैसे नहीं करूँगा मैं, बल्कि कैसे पुश करूँगा इस तरह से करूँगा। और इस पॉइंट पर मैं ठीक है जी, तो वो लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है कि कस्टम पेलोड में अगर कुछ मौजूद हो तो कस्टम पेलोड वाला भेज दो, अदरवाइज जो है ना वही आप टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट का इंडेक्स ज़ीरो उठाओ। तो अब ज़रा दोबारा प्लीज़ सलील ये इससे बात करने की कोशिश कीजिएगा और देखेंगे ये लास्ट में आपको फिर रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता। सही, ये मैंने थोड़ा अजीब लिख दिया लेकिन इसके अलावा चल गया। और अभी हम लॉग्स में देखते हैं कि इस वाले पे हुआ क्या है। अच्छा मेरे पास लॉग्स में कोई एरर तो नहीं आया, ट्विलियो वेबहुक करके बोला है हमने और मेरे पास कोई एरर तो नहीं आया लॉग्स में। एक्चुअली ये चीज़ मैं डायलॉग फ्लो में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ और ज़रा डायलॉग फ्लो के इंटेंट्स जो बने हुए हैं उसकी ज़रा ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेता हूँ कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं। अब ऐड ड्रिंक में मैंने तो सही कर दिया था, उसके बाद ऐड एपेटाइजर में, हाँ और उसमें मैंने व्हाई नॉट लिखा तो फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ व्हाई नॉट लिखा है हमने। ओके गॉट इट, उसका रीज़न ये है कि ये एड एपेटाइजर में ना रिस्पॉन्स कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, खाली है रिस्पॉन्स, इस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाया। मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे कि हियर इज एपीपी जस्ट अ रिस्पॉन्स, अब इसको कुछ ना कुछ भेजना चाहिए होपफुली। वेल तो हमने ये जो है ट्विलियो के एसएमएस को चेकआउट कर लिया। अच्छा इस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मेरा थोड़ी कंफ्यूजन थी इसमें कस्टम पेलोड और पेलोड के अंदर, और मैंने वाली वीडियोस भी देखी थी तो थोड़ा ना इसको आप ये थोड़ा जो कोड है ना इसको थोड़ा आप रिवाइज करवा दें। मैं पहले वैसे ही आपको समझा देता हूँ कि ये कस्टम पेलोड का ना चक्कर क्या है।
कस्टम पेलोड ना आमतौर पे क्या होता है, आपके जो कस्टमाइज प्लेटफॉर्म है ना उसमें बहुत काम आता है आपको कस्टम पेलोड। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है एक वेब एप्लीकेशन है, राइट, एक वेब एप्लीकेशन आपके पास है, उसमें आपको क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट मैसेजेस चाहिए होते हैं, क्विक सजेशन चिप्स चाहिए होती हैं, क्विक रिप्लाई बोल रहे हैं उसको आप, कार्ड्स उसमें आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए हो सकती हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उन चीज़ों का जो है ना कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो फुलफिलमेंट की जो लाइब्रेरी है उन्होंने इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं बनाया हुआ है, तो इसलिए डायलॉग फ्लो में और जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं इसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी का, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जेसन डेटा जो है वो कस्टम पेलोड के अंदर डाल के आप भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ पेलोड जो है वो क्या चीज़ है, ऑन अदर हैंड सिर्फ पेलोड जो है वो ये है कि असल में जो पेलोड है वही कस्टम पेलोड है ना, कुछ जगहों पे ये सिर्फ पेलोड लिखते हैं, कुछ जगहों पे इसको कस्टम पेलोड लिखते हैं, ये चीज़ दोनों एक ही है, मतलब अलग नहीं है ये कोई, ठीक है। अच्छा, और कस्टम पेलोड जो है जब आप जाएंगे ना फेसबुक वाले पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको, तो फेसबुक में भी ना इसके अलावा बहुत सारे रिच रिस्पॉन्स मौजूद हैं। तो फेसबुक ऐसे बोलता है आपको कि आप ना क्या करो, जो क्योंकि लाइब्रेरी में तो तीन ही चीज़ें हैं, कार्ड है, क्विक सजेशन है, टेक्स्ट है, और मेरे ख्याल एक इमेज है, ये पांच चीज़ें हैं टोटल उसके अंदर। अभी आपको चाहिए उसमें कॉन्टैक्ट भेजना है, क्योंकि आप फेसबुक मैसेंजर में कॉन्टैक्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप फेसबुक मैसेंजर में वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उसमें भेजी जा सकती हैं, लेकिन आपके पास लाइब्रेरी में वो सारे ऑप्शन नहीं होते। तो फेसबुक आपको ये बोलता है कि आप ना जो भी रिस्पॉन्स भेज रहे हो उसमें पेलोड करके ना एक बना दो आप की जेसन में पूरे में, और उसमें वो जेसन आप डाल दो, तो मैं वो रेंडर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कस्टम पेलोड और पेलोड ये काइंड ऑफ एक ही चीज़ है, लेकिन डॉक्यूमेंट में इसको इन्होंने अलग अलग इनकाउंटर किया हुआ है, वो दोनों मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है आपके पास के हर प्लेटफॉर्म के ना कुछ अपने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। बेहतर तो ये है, जो सबसे बेस्ट अप्रोच जो होती है वो तो ये होती है कि मैं डायलॉग फ्लो की वन क्लिक इंटीग्रेशन को यूज़ ही ना करूँ, ठीक है। मैं खुद पर्सनली जो क्लाइंट्स के लिए ऐप बनाता हूँ उसमें मैं इनकी वन क्लिक इंटीग्रेशन को कोशिश करता हूँ मैं यूज़ ना करूँ, मैं अपना कस्टम टियर लिखता हूँ, ठीक है। तो कस्टम टियर में ना ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे इन चीज़ों में आसानी हो जाती है कि जो मुझे रिच रिस्पॉन्स वगैरह भेजने होते हैं ना उसके लिए मैं ये फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी भी यूज़ नहीं करता, प्लेन जेसन लिख के काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो लाइब्रेरी एक पॉइंट में मुझे ऐसी जगह पे ले जाती है कि ना वहाँ पे मुझे बहुत एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ जाता है, तो इसलिए ना सम टाइम मैं फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी को भी यूज़ नहीं करता अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लेता हूँ उसमें मसला नहीं होता। अच्छा, अब मैं कोड में आ जाता हूँ, जो आपने कहा कि यार कोड ज़रा रिवाइज़ करवा दूँ मैं, कि ये कोड में क्या चक्कर है, तो मैं ज़रा चलता हूँ अपने डायलॉग फ्लो के वेबहुक में। ये मेरा डायलॉग फ्लो का वेबहुक है, राइट, ये मेरा डायलॉग फ्लो के वेबहुक में मैंने कहा एक वेलकम का फंक्शन होगा मेरे पास, वेलकम इंटेंट, जब कोई भी बोले तो उसको ये रिस्पॉन्स कर देना है आपने। अभी आई एम नॉट श्योर कि मैंने उसको फ्रंट एंड से उसको इनेबल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, देख लेते हैं वो भी। मैं यहाँ पे गया, मैं वेलकम इंटेंट में गया, ठीक है, यहाँ से मैंने फुलफिलमेंट को इनेबल नहीं किया हुआ, तो खैर ये तो चलेगा ही नहीं, ये फ्रंट एंड से ही लेकर आ रहा होगा जो फ्रंट एंड पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर एक होगा ऑर्डर, मैंने कहा कि जब ऑर्डर पिज़्ज़ा का इंटेंट हिट हो ना तो ये तीन पैरामीटर कलेक्ट करो, ये तीन पैरामीटर को कंसोल करवाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ऑर्डर को डेटाबेस में सेव करवा दो, ठीक है, जिसका कोड अभी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो डेटाबेस में सेव करवाने के बाद ऑर्डर को आप क्या बोलो कि एक रिस्पॉन्स जनरेट करो, आप क्या बोलो, आप एजेंट डॉट ऐड। अब ये रिस्पॉन्स करने का तरीका मुझे किसने बताया हुआ है, लाइब्रेरी ने बताया हुआ है। अगर लाइब्रेरी ये नहीं भी होती तो हम ये देख चुके हैं शुरू में कि डायलॉग फ्लो के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है।
इसमें अगर किसी को अगर कोई याद नहीं है, भूल गया, तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से दिखा दूंगा। बल्कि हम दोबारा से देख ही लेते हैं ना इसके, मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, ठीक है। ये लाइब्रेरी अगर हम यूज़ ना करें ना, तो हम प्लेन जेसन में भी रिस्पॉन्स यहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैंने कहा डायलॉग फ्लो ES, और डायलॉग फ्लो ES करने के बाद मैं यहाँ पे गया कॉन्सेप्ट में गया और वेबहुक सर्विस में गया, ठीक है। ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, इस तरह से मुझे रिक्वेस्ट रिसीव होती है मेरे वेबहुक पे, ठीक है। और ये है मेरे रिस्पांस का ऑब्जेक्ट, इस तरह का मुझे रिस्पांस भेजना होता है, ठीक है। तो मैं जो ऐसे बोल रहा हूँ ना एजेंट डॉट ऐड करके, तो मैं अगर एजेंट डॉट ऐड ना लिखता अगर, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं जेसन में ये रिस्पॉन्स भेजता, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट जो भी मेरी मर्जी का टेक्स्ट है वो मैं यहाँ लिख के भेज देता। अगर मुझे कार्ड भेजना होता, यहाँ पर मैंने कार्ड भी भेजा हुआ है कहीं ना कहीं, जैसे सजेशन चिप मैंने भेजी हुई है इस तरह करके। तो अगर मैं ये लाइब्रेरी यूज़ नहीं करता, तो मैं सजेशन चिप कैसे भेज रहा होता फिर? यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं सजेशन चिप, वेल ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स आ गया, ये कार्ड रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है भाई। ये जो है वो गूगल असिस्टेंट के रिस्पॉन्स जो भी हैं वो सारे आ गए। अब यहाँ पे ना ये मज़ीद एग्जांपल बताई हुई हैं, इस पर क्लिक करके हम अंदर चलते हैं, वहाँ पे सजेशन चिप वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, अब जितने भी रिच रिस्पॉन्स हैं सारे यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किए हुए, सारे यहाँ पे अलग अलग बताए हुए इन्होंने, और उसकी लिमिटेशन, उसमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको दिख रही होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की कमी है इस डॉक्यूमेंट में जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ अभी। वेल इनकी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी अजीब है इस मामला में। अच्छा, तो अभी इस पॉइंट पे क्या होता है कि अगर मैं लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहा होता, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं गूगल असिस्टेंट के रिस्पॉन्स में जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि गूगल असिस्टेंट के रिस्पॉन्स किस तरह के उन्होंने बोले हुए हैं कि मुझे चाहिए, ठीक है। और मैं वो यहाँ पे लाके लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं फेसबुक पे डिप्लॉय करने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक के रिस्पॉन्स में जाके देखता हूँ जेसन, और मैं वो यहाँ पे लाके लगा देता हूँ अपने रिस्पॉन्स में, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो, एक तो चलो मैंने ना सजेशन चिप एजेंट डॉट ऐड करके लिख लिया, तो मेरे कोडिंग थोड़ी बच गई मेरी, मुझे कोड थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखना पड़ रहा, कोड कम लिखना पड़ रहा है। बट अब एक ऐसी चीज़ है, गूगल असिस्टेंट के कैरेजल कार्ड्स हैं, ठीक है, या फेसबुक के ऊपर मेरे पास क्या है, आपका वॉइस नोट है, MP3 वॉइस नोट मैं चाहता हूँ भेजूँ मैं एज अ चैटबॉट। तो वो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, इस लाइब्रेरी ने मुझे ये ऑप्शन दिया है कि कस्टम पेलोड में बना के यहाँ से भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कस्टम पेलोड भेजा हुआ है कुछ। अच्छा, लेकिन ये कस्टम पेलोड मैंने किस लिए भेजा हुआ है, मेरे वेब एप्लीकेशन के लिए भेजा हुआ है ये मैंने, ठीक है। होपफुली कस्टम पेलोड आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक एक और सवाल था, ये जो हम एक साथ ऐड कर रहे हैं, ये सारे एक साथ जाएंगे ना, मतलब? हाँ हाँ, ये सारे सजेशन चिप ऐड होते जा रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्स में मुझे ये सब मिलेंगे। और एक और चीज़ पूछनी थी, वो जैसे हमने एलेक्सा के अंदर कॉन्टेक्ट API भेजी थी, मतलब उसमें जो हमारे जो कॉन्टेक्ट और डिटेल्स थी, हाँ वो भी बता देगा कैसे भेजें? हाँ, वो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अब देखें, ये जो कॉन्टेक्ट API है ना, वो सिर्फ उस केस में पॉसिबल होगी जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जो ऑथेंटिकेटेड है, सिर्फ उस केस में पॉसिबल है, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक पे मौजूद हैं, ठीक है, तो फेसबुक से जब यूज़र का मैसेज आता है ना आपके पास, तो आपको जो फेसबुक क्या देता है, उस बंदे की एक यूनिक आईडी देता है, ठीक है। फेसबुक पे अगर डिप्लॉय करेंगे ना आप, और अपना कस्टम टीयर लगाएंगे, क्योंकि अभी तो वन क्लिक इंटीग्रेशन से किया है हमने, जैसे आप इमेजिन करें अभी ट्विलियो पे हमने डिप्लॉय जो किया है, कस्टम टीयर लगा के किया है ना, तो देखो क्या हो रहा है, ये पूरा मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है कि किस नंबर से मैसेज आया, ठीक है। और वो नंबर देखो, कंट्री भी बता रहा है, कनाडा का नंबर था वो, ठीक है। ज़िप कोड वगैरह भी उसका अभी खाली है, लेकिन हो सकता है ज़िप कोड भी आए बहुत सारे नंबर्स में,
ठीक है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कि कितने मैसेजेस पे मुश्तमिल है, 160 कैरेक्टर का एक मैसेज होता है तो कितने मैसेजेस हैं, कितने सेगमेंट्स हैं, ठीक है, अकाउंट की SSID और मैसेज की SSID, काफ़ी चीज़ें आपको ये दे रहा है ना। तो जब इस तरीके से फेसबुक से जब आता है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको क्या दे रहा होता है, उस बंदे की यूनिक ID और उस बंदे का ईमेल आपको दे रहा होता है वो जिस बंदे ने आपको मैसेज किया है। अच्छा, कुछ केसेस में आपको उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, जस्ट यूनिक ID मिलती है, बट फेसबुक के पास फेसबुक की APIs हैं जिसके ज़रिए आप उस बंदे की पब्लिक डिटेल्स गेट कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी यूनिक ID आ चुकी है तो आप उसकी पब्लिक डिटेल्स जैसे कि पब्लिक प्रोफाइल पिक्चर, पब्लिक ईमेल, पब्लिक नेम, वो चीज़ें आप गेट कर सकते हैं उसकी। अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं अपना चैटबॉट वेब एप्लीकेशन पे, एक वेबसाइट पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं अगर, तो उस केस में फिर ये होगा कि वेबसाइट जिस भी बंदे की है वो बंदा चूँकि लॉगिन है उसके अंदर, ठीक है, तो वंस वो लॉगिन है बंदा और जब वो मैसेज करेगा उस स्क्रीन से खड़ा होके, तो जाहिर है उस मैसेज के साथ में उस बंदे का नाम और ईमेल भी भेज रहा हूँगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट API ना यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है, कॉन्टैक्ट API अलेक्सा में ही उसका एक मतलब बन रहा है, एक सेंस बन रहा है, वेब एप्लीकेशन में फेसबुक में उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इसके अंदर वो काम थोड़े मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है। समझ आई ये वाली बात आपको? जी सर। अच्छा, और इसी कोई से... जी सॉरी, आप फिनिश योर थॉट। हाँ, मैं यही पूछ रहा था, और क्वेश्चन किसी का? हाँ नहीं, सो इसी से रिलेटेड ये कि यस, मे बी वी डोंट नीड लाइक यू नो ऑथेंटिकेटेड यूजर इन ऑन अ वेब चैटबॉट, बट व्हाट अबाउट वॉइस? सो उसके लिए कैसे हम ऑथेंटिकेट कराएंगे वॉइस के लिए? नहीं, मतलब वॉइस कहाँ पे डिप्लॉय हुआ है? वेब एप्लीकेशन पे हुआ है। फॉर एग्जांपल वॉइस ऑन गूगल असिस्टेंट। हाँ, गूगल असिस्टेंट वाली चीजें ना अभी रहती हैं थोड़ी सी ना। अच्छा, मेरा ख्याल है अब उसी की तरफ मूव करते हैं हम डायरेक्टली, क्या ख्याल है? सही है। उससे पहले फिर ये पूछूंगा कि फिर इस अभी हमने ट्विलियो को कनेक्ट किया SMS से, अब इसी SMS को हम WhatsApp से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जस्ट लाइक आई वांटेड टू फिगर दैट आउट। यार मैं ये जरा अभी देख लेता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, हम जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको कि क्या इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ओके, मैं यहाँ पे आ गया व्हाट्सएप में, मैसेजिंग के अंदर ये आ गया भाई, व्हाट्सएप मैसेजेस। अच्छा, पहले तो मुझे ये बोल रहा है कि भाई आप ये ज्वाइन कर लो, ये एक का विज़र्ड है शुरू का, ये विज़र्ड ज़रा हम कर लें पहले तो कंप्लीट। और उन्होंने बोला आप जाओ और जाके हमें मैसेज करो। अच्छा, क्या मैसेज करना है इसने? ज्वाइन और TITLE-DEAR। ठीक है भाई, ये ज्वाइन हो गया। मैंने कहा नेक्स्ट और मैंने कहा नेक्स्ट और मैंने कहा नेक्स्ट, ये विज़र्ड ख़त्म किया मैंने। अच्छा, रीच कस्टमर विद व्हाट्सएप बिजनेस API एंड स्टूडियो फॉर फ्री, क्वालिफाई न्यू कस्टमर, गेट अ 90-day ट्रायल, गेट स्टार्टेड हियर। अब ये गेट स्टार्टेड में ले गया कि यार यहाँ पे से जाके ना आप, अरे ये तो पेज ही इनका वो है, नॉट फाउंड है।
यार ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है हमें। क्या ऑप्शन देना चाहिए? इनको यहाँ पे ये ऑप्शन देना चाहिए कि इसमें बाया नंबर, ये ऑप्शन इनको अच्छा यहाँ पे देना चाहिए। इनको यहाँ पे ना एक बाया नंबर एटलीस्ट यहाँ पे आ रहा होना चाहिए किसी पॉइंट पे। क्रिएट मैसेजिंग सर्विस, एड अ सेंडर, वेल हम अलग से देख लेते हैं। अच्छा ये ट्विलियो का आर्टिकल है, हाउ कैन आई गेट माई ओन व्हाट्सएप ट्विलियो नंबर फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन, सबमिट योर केस टू व्हाट्सएप फॉर रिव्यू, ओके रिक्वेस्ट टू इनेबल योर ट्विलियो नंबर फॉर व्हाट्सएप। ये जगह है जहाँ से आप जो है ना रिक्वेस्ट टू इनेबल योर ट्विलियो नंबर फॉर व्हाट्सएप, जो आप यानी एग्जिस्टिंग नंबर ही कनेक्ट हो जाएगा, जो आप कह रहे थे ना वही वही वाली बात है, कनेक्ट हो जाएगा ये। टू स्टार्ट व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई विद ट्विलियो एंड प्रोडक्शन यू विल नीड टू इनेबल योर ट्विलियो नंबर फॉर व्हाट्सएप, वी विल यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिलो असिस्ट ऑन बोर्ड, यू विल नीड फेसबुक बिजनेस मैनेजर आईडी, ओके गॉट इट। फेसबुक की ना बिजनेस मैनेजर आईडी होती है, उसमें ये बिजनेस वेरीफिकेशन का एक बाकायदा प्रोसेस है इनका, वो करना पड़ता है, वो मेरा भी नहीं हुआ हुआ, मैंने भी इनिशिएट किया था वो बिज़नेस वेरिफिकेशन, मगर वो बहुत लंबी कर दी थी उन्होंने कहानी। अच्छा ओवरव्यू व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई ऑन ट्विलियो, सही है, लाइक आई मीन आई फॉलो लाइक यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, सही इनेबलिंग व्हाट्सएप विद ट्विलियो नंबर। अब ये इन्होंने डॉक्यूमेंट इस जगह पे ये लिखा हुआ है कि स्टेप्स के कैसे कैसे करना है। यू मस्ट गो get approval, enable your Twilio number for WhatsApp. Next, you will provide Twilio your business manager ID. If you do not already have Facebook business manager account, follow the Facebook instruction. ये Facebook की instruction आ गई। यहाँ पर आपने पहले क्या करना है, Facebook की business manager ID बनानी है और उसके बाद Twilio वालों को provide करनी है वो ID. अच्छा ये इन्होंने स्टेप बताया हुआ कि किस तरह वो आईडी प्रोवाइड करनी है और वो बनानी कैसे, क्रिएट बिजनेस मैनेजर वो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट, अभी मैं ज़रा देखता हूँ ना, मेरा वाला वो इनिशिएट किया था बट वो काफ़ी लंबा था चौड़ा प्रोसेस, फिर मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा क्रिएट अकाउंट, अच्छा ये मेरे ख्याल डिस्कार्ड हो गया, वो जो आधी बनी हुई है आधा फॉर्म फिल किया हुआ था वो डिस्कार्ड हो गया, शुरू से ही चला रहा है। वेल तो भाई फेसबुक के ही हाथ में है सारी कहानी, ट्विलियो के हाथ में काफ़ी कम है चीज़ें। अच्छा उसके बाद इसने बिजनेस वेरिफिकेशन के बाद क्या बोला है, योर फेसबुक बिजनेस आईडी मस्ट बी फाउंड इन बिजनेस इन्फो सेक्शन अंडर द बिजनेस सेटिंग, ठीक है बिजनेस इन्फो करके ये है। अब ज़रा ट्विलियो में हम इस जगह पे जाते हैं, अच्छा ये बिजनेस तो मेरा हुआ हुआ है इस पर रजिस्टर, ठीक
क्या कर रहा है ये, अंडर द बिजनेस सेटिंग बता रहा है कि एक आईडी मिलेगी आपको। ये रहा बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस मेरा अनवेरीफाइड है, ठीक है, ये वेरीफाई इसको करना पड़ता है। वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करूँगा ना ये फॉर्म खोल देता है पूरा, ठीक है। वेल मैं वापस आता हूँ, बैक करता हूँ। अब यहाँ पे ना किसी जगह पे एक आईडी आ रही होगी, ये रहा बिजनेस मैनेजर आईडी, ये आ गई मेरी, ठीक है। इस आईडी को मैंने अब कर लिया कॉपी यहाँ से, और इस आईडी को कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि यू मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम इनेबल योर, ये इनेबल योर ट्विलियो नंबर्स जो है, ये तो घनचक्कर घुमा दिया इसने, ये मुझे आईडी मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, मैनेज कॉन्फ़िगर योर व्हाट्सएप इनेबल ट्विलियो नंबर, यू कैन रिक्वेस्ट अप टू 25 न्यू नंबर्स, मैसेजिंग सेंडर्स व्हाट्सएप सेंडर इन कॉन्सोल। अच्छा, मैसेजिंग में जाऊँगा, सेंडर में जाऊँगा, व्हाट्सएप सेंडर में जाऊँगा। अच्छा, मैं मैसेजिंग में जाऊँगा, सेंडर में जाऊँगा, व्हाट्सएप सेंडर में जाऊँगा, और व्हाट्सएप सेंडर पर जाने के बाद ये रहा साइन अप फॉर रिक्वेस्ट एक्सेस, यहाँ से हमें मिलेगा। ओके, अच्छा ये है वो फॉर्म, ये फॉर्म फिल करना होगा, इसमें फेसबुक बिजनेस आईडी यहाँ डालनी होगी इस जगह पे, और ये सारा कुछ भर के रिक्वेस्ट का बटन दबा देंगे हम, और ट्विलियो फिर इसको देखेगा और आपको फाइनली व्हाट्सएप अलाउ कर देगा इसी ट्विलियो के नंबर पे जो आपके पास ऑलरेडी है। तो काफ़ी मुश्किल से इसका प्रोसेस है भाई। अच्छा, आप क्या था, हम व्हाट्सएप की प्राइसिंग भी देख लेते हैं। ये रहा भाई ट्विलियो व्हाट्सएप प्राइसिंग, पहले जो ट्विलियो की और फेसबुक की अपनी भी जो प्राइसिंग थी, क्योंकि असल में फेसबुक क्या कर रहा है अभी, बिजनेस टू बिजनेस खेल रहा है ना, मतलब फेसबुक किसी को ऐसे डायरेक्ट एपीआई का एक्सेस नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि हमारे वेंडर्स के थ्रू लो आप। क्योंकि शुरू में इन्होंने ना कुछ लोगों को दिया भी है जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, तो इसमें असल में होता ये है कि फेस जो व्हाट्सएप चल रहा है ना वो डॉकर के एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो ये बोलते थे कि आप ना अपना डॉकर का सर्वर खड़ा करो और वो कुबरनेटीज के ऑर्केस्ट्रेशन पे उसको चलाओ आप। फिर उसकी ना वो काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी कि इस तरह का आपका ना सिस्टम होना चाहिए जब भी वो काम करेगा। तो जाहिर है एक इंडिविजुअल्स के लिए ना इतना सेटअप करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। मैंने भी एक दफ़ा वो शुरू किया डॉक्यूमेंट, मैंने कहा चलो यार एक्सेस तो दे नहीं रहे, एटलीस्ट हम सर्वर तो बनाए, बट वो यार काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी थी, वो हुआ नहीं मेरे से भी। तो फिर वो कहते थे कि यार उस पर ना स्टेटिक आईपी है, वो आईपी चेंज नहीं होनी चाहिए वरना आपके मैसेज आना बंद हो जाएंगे, तो मेरे से भी वो हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली इन्होंने फिर यही करा कि इन्होंने कहा भाई हमारे वेंडर्स होंगे, ट्विलियो है, अभी एक वाटी करके एक चल रहा है बड़ा, तो बार बार ऐड आते हैं उसके यूट्यूब पर वाटी, तो वो क्या करता है व्हाट्सएप का वो एक्सेस आपको दे रहा होता है। तो अब ये जो है ना ट्विलियो, जितने में व्हाट्सएप वाले जो चार्जेस व्हाट्सएप वाले ले रहे हैं उसी में थोड़े एडिशनल पैसे मिला के ये ट्विलियो आपको दे रहा होता है, क्योंकि ट्विलियो अपनी कंप्यूटिंग पावर आपको देता है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने बोला भाई यूज़र इनिशिएटेड चैट जो होंगी ना उसके कटेंगे इतने पैसे, ठीक है, यानी डॉलर 0.05, और हम इसको अगर कन्वर्ट मारें टू PKR तो आपके 9 रुपये तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं, ठीक है, और अगर हम इसको INR पे करें तो तकरीबन 4 रुपए के करीब, ठीक है, 4 रुपए और 9 रुपए इस तरह बन रहा है पर जो यूजर, हाँ फॉर नहीं फॉर 24 आवर, ये वाला है कि अभी आपके एक बार ये पैसे कट गए ना, अभी 24 आवर तक आप जितने मर्जी मैसेज करते रहो यूज़र को, ठीक है, या यूज़र आपको जितने मर्जी मैसेज करता रहे दोबारा पैसे नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, अब अगर बिजनेस ने मैसेज भेजा है तो उसके भी चार्जेस यही हैं, हालांकि इसके पहले ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन इसके भी अभी इन्होंने सेम कर दिए हैं।
अच्छा ये जो पैकेज है ये कब तक है? जब आप ना एक महीने में 100 कन्वर्जेशंस करते हैं अगर आप, ठीक है, जब तक ये चार्जेस हैं, अगर मैं इस कन्वर्जेशन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि मुझे 3000 कन्वर्जेशंस चाहिए, ठीक है, और आपके जो पर कन्वर्जेशन है वो मैसेजेस कितने होते हैं आपके, ठीक है, मैंने कहा भाई पर कन्वर्जेशन जो है मेरे पास बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, 500 मैसेज होते हैं अगर, तो फिर आपको ना $20 पड़ रहा होगा ये, और बिजनेस अगर करेगा तो वो, अच्छा वो पीछे ही आ गया ना ये वाले सारे, अब वेल ये इनके एक एस्टिमेशन सिस्टम है जो कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है व्हाट्सएप के अपनी वाली प्राइसिंग से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप तो बोलता है जैसे अभी 10 कन्वर्जेशन है ना तो जितने मर्जी मैसेज करो, बट यहाँ पे जब मैं बढ़ा रहा हूँ ना मैसेज तो ये पैसे भी बढ़ रहे हैं साथ साथ इसके। हाँ ओ नहीं, ये मेरे समझ में आ गया क्या चक्कर है, 10 conversations ये 10 messages मंथ पूरे महीने के बता रहा है ये। हाँ 10 conversations 10 messages then it will be 0.5 0.0 so essentially 5 cents if it is in a month if it is 10 messages and 10 conversations अभी मैं per इसको दोबारा conversation. से सेट करता हूँ, मैंने उसको बोला भाई मेरी ना 200 कन्वर्जेशन होंगी, महीने सही है तो पहली 1000 फ्री है एसेंशियली फर्स्ट 1000 आर फ्री तो अच्छा, 1000 के बाद ये चार्ज करेगा। जी अब हर कॉन्वर्सेशन में कितने मैसेजेस हैं उस पे एसेंशियली ये बढ़ेगा ठीक है, अगर मेरे 2000 कन्वर्जेशन है तो मुझे टोटल $8 कॉस्ट आ रही होगी, हाँ ठीक है, बट ये इफ कॉस्टिंग पूरे महीने की कॉन्वर्सेशन बता रहा है, सही बता रहा है पूरे महीने की, फिर तो अच्छा एक एंड इफ इट इज कन्वर्जेशन टेन में कॉन्वर्सेशन सॉरी 10 messages पर कॉन्वर्सेशन अब मैंने कहा नहीं भाई मेरे 10 नहीं होंगे, मेरे 400 होंगे, तो ये 8 से 10 हो गया, सही है, नॉट बैड। मैंने कहा भाई मेरे एक कन्वर्जेशन में कितने होंगे, 2000 मैसेज होंगे, बंदा एक बार बोलना शुरू करेगा तो 2000 मैसेज करके चुप होगा, तो ये $21 पूरे महीने के बनेंगे, सही है, नॉट बैड, काफ़ी सस्ता कर दिया है, पहले तो बहुत महंगा था, पहले जो है ना वो $2 $1 पर मैसेज ये चार्ज कर रहा होता था, और बहुत ज़्यादा बहुत हाईली जो है ना प्राइसिंग रखी हुई थी, अभी तो इन्होंने पर कन्वर्जेशन जब से किया है ना काफ़ी सही कर दिया है, इवन तो डायलॉग फ्लो की भी जो नई वाली प्राइसिंग है वो भी उसमें भी इस तरह का है पर कन्वर्जेशन वाला मंजन। अच्छा जी, तो ये हमने अच्छा प्राइसिंग भी देख ली व्हाट्सएप वाली, अब हम आ जाते हैं अपने गूगल असिस्टेंट की लाइब्रेरी की तरफ, हम आ जाते हैं अब, और ये जो सही कुछ भी हमने बनाया है इसको हम यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है, हम अब शुरू से कोड लिखते हैं क्योंकि इस कोड को बहुत रगड़ रगड़ लिया हमने, अब हम जो क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, और इसका हम नाम रख देते हैं कनेक्टेड विथ ट्विलियो SMS, ताकि एक माइलस्टोन यहाँ पे बन जाए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक फोल्डर, इसका नाम रखता हूँ मैं 3 actions ऑन गूगल। अच्छा इस पॉइंट पे जो हमने लाइब्रेरी पढ़ी थी अपने वेबहुक में, वो लाइब्रेरी हमने पढ़ी थी कौन सी वाली भला, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी पढ़ी थी हमने, ठीक है, कहाँ चला गया, ये रहा डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। वेबहुक के लिए ना एक लाइब्रेरी और भी इस्तेमाल होती है जो स्पेसिफिकली अगर आप अपना अपनी ऐप बना रहे हैं गूगल असिस्टेंट के लिए स्पेसिफिकली, तो वो लाइब्रेरी काफ़ी सही रहती है आपको। अच्छा आ जाते हैं राम जी अब अपनी नई वाली ऐप में, और अपनी नई वाली ऐप में आने के बाद हम क्या बोलते हैं, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर तो सारा सेम रहेगा, तो मैं ज़रा बेसिक स्ट्रक्चर ना जब तक बना लेता हूँ इसमें। अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर में मुझे क्या चाहिए, मुझे पैकेज डॉट जेसन चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे गूगल के क्रेडेंशियल भी वहाँ पे चाहिए होंगे ऑफ कोर्स, अच्छा मुझे गिट इग्नोर भी चाहिए होगा सेम वाला, ठीक है, वेब का फोल्डर नहीं चाहिए मुझे, डायलॉग फ्लो एक्सपोर्ट नहीं चाहिए,
अच्छा इंडेक्स की फाइल भी ले चलता हूँ वहाँ पे, चीज़ें थोड़ी बहुत उड़ा दूंगा इसमें से जो मेरे काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया सबको। अच्छा पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सर्वर को रोका, मैं सीडी बैक किया मैंने, और मैंने कहा सीडी थ्री एक्शंस ऑन गूगल। मैं इस एक्शंस ऑन गूगल वाली फोल्डर के अंदर आ गया, और फोल्डर में आने के बाद मैंने कहा npm i ताकि सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। अच्छा इतने में फिर मैंने ये फ़ाइल खोली, और फ़ाइल खोल के मुझे ये अब अपना ये वाली लाइब्रेरी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए अब, जो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट है इसको मैंने उड़ा दिया। ठीक है, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट उड़ा दिया मैंने। ठीक है, मुझे एक्सप्रेस चाहिए, मुझे मॉर्गन चाहिए, मुझे बॉडी पार्सर क्या मुझे चाहिए? नहीं चाहिए मुझे बॉडी पार्सर, क्योंकि बॉडी पार्सर मैंने लगाया था ट्विलियो की वजह से, इसको भी हटा दिया मैंने। अच्छा ट्विलियो की लाइब्रेरी भी नहीं चाहिए क्योंकि ट्विलियो को हम कर चुके हैं सारा। कोर्स मुझे चाहिए क्या? चलो सही रहने देते हैं। अच्छा ये डायलॉग फ्लो मुझे चाहिए क्योंकि डायलॉग फ्लो भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा भाई और मुझे क्या चाहिए, ये तो चलो एक वो है। अच्छा ये जो स्लैश वेबहुक है इसको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करना है हमने, बाकी इसके नीचे जो कुछ भी है ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब हम जो ऐप बनाने जा रहे हैं, डायलॉग फ्लो की ही एक ऐप बनाने जा रहे हैं, वो प्योरली क्या होगा, सिर्फ गूगल असिस्टेंट के लिए वो होगी हमारी ऐप। ठीक है जी, और इसके अंदर की चीज़ें मैं सारी उड़ा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा और मैं साथ ही साथ वो जो हमारा npm i actions dash on dash google ये सेव कर लेता हूँ, ये एक लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी की ज़रा डॉक्यूमेंटेशन भी हम देख लेते हैं। actions on google npm राइट, ये actions on google मैंने खोल लिया, npm की हमारी ये आ गई। अच्छा जी ये हम इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक वार्निंग लगाई हुई है कि एक्शन बिल्डर पे आप बनाएं, और एक्शन बिल्डर जो है वो नया मंजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो है ना यही वाला बेहतर है। अगर प्रोडक्शन में ऐप चलानी है तो अभी तक उस पर मुझे इतना रिलायबिलिटी फील नहीं हो रही जितनी मुझे इस वाले पर हो रही है, तो ये भाई रिलायबल है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लाइंट लाइब्रेरी गिटहब रेपो, गिटहब की रिपोजिटरी है। ठीक है, एक्शंस ऑन गूगल की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, एक्शंस ऑन गूगल के अपने सैम्पल्स हैं, तो मैं एक्शंस ऑन गूगल के ना डॉक्यूमेंट्स पे चलने की कोशिश करता हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ कि इंटेंट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। डॉक्स में गया, यार एक तो इनके लिंक्स आ रहे ना गलत लगे हैं। अब देखो मैंने दबाया कुछ और था, एक्शन ऑन गूगल डॉक्स दबाया मैंने, अब ये मुझे कहाँ लेकर आ रहा है, गूगल असिस्टेंट की होम पेज पे। यार ये गूगल वालों की ना मुझे समझ में नहीं आती है। जब खैर हम एक काम करते हैं, इनकी हम कहाँ चलते हैं, गिटहब की रिपॉजिटरी पे चलते हैं, वहाँ पे एग्जांपल्स बने हुए होंगे उससे भी हम देख सकते हैं। अच्छा भाई तो ये जो है ना इनका एक टिपिकल हेलो वर्ल्ड इन्होंने यहाँ पे इस तरह से बनाया के रखा हुआ है, तो हम जो है क्या करते हैं इसको इम्पोर्ट करते हैं जैसे इन्होंने यहाँ बताया, इस तरह से इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं अपने मामला को। ओके डायलॉग फ्लो इमेज, अच्छा जी मैं अपने सर्वर को भी रन कर देता हूँ ताकि सर्वर मेरा चलता रहे। अच्छा रिक्वायर करते वक्त मैं कैसे इसको रिक्वायर करूँगा, मैंने कहा इम्पोर्ट फ्रॉम एक्शंस ऑन गूगल, सही है। अब यहाँ पे आके मैं जब सजेशन लूँगा ना कंट्रोल प्लस टैब से, तो ये मुझे खुद ही
सजेशन दे रहा होगा। अच्छा, डायलॉग फ्लो दो आ रहे हैं, कैपिटल लेटर से कि स्मॉल लेटर से? इन्होंने स्मॉल लेटर वाला किया हुआ है। सही है। ठीक है जी, ये डायलॉग फ्लो करके मैंने रिक्वायर कर लिया एक्शंस ऑन गूगल में से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने हवाले करना है लाइब्रेरी के। ठीक है, अब वो यहाँ पे कैसे किया हुआ है उन्होंने देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, ऐप करके डायलॉग फ्लो को इनिशिएट किया हुआ है, तो ये इनिशिएट हम भी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इनिशिएट हम कर लेते हैं, डायलॉग फ्लो की ऐप को इनिशिएट कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, तो यार हैंडओवर कहाँ किया है इसने रिक्वेस्ट को? हाँ सही है, समझ आ गया कैसे, मैं भूल जाता हूँ वक्त के साथ से। खैर, अच्छा इनिशिएट करने के बाद सारे इंटेंट जो इसने बनाए हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 जितने भी इंटेंट इसने बनाए हुए हैं वो सारे मैंने इंटेंट क्या कर लिए, वो सारे इंटेंट भी मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। ठीक है, अच्छा अब इस इंटेंट्स में हो क्या रहा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इस इंटेंट को मैं क्या कर देता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ। ठीक है, ये कोलैप्स कर देता हूँ सारे इंटेंट्स को मैं। अच्छा तो हमने अभी तक क्या कर लिया है, कॉन्स्टेंट ऐप इक्वल्स डायलॉग फ्लो करके इसको इनिशिएट कर लिया है। ठीक है, वेबहुक इंस्टेंस हमने बना लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा इसी ऐप के ऊपर डॉट लगा के इंटेंट। सही है, इसी ऐप के ऊपर डॉट लगा के इंटेंट, ऐप के ऊपर डॉट लगा के इंटेंट, उसके आगे इंटेंट का नाम। सही है, उसके आगे अब यहाँ पे जिस मिसाल के तौर पर प्लेस ऑर्डर में करने लगा। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट फॉल बैक इंटेंट है, इस तरह मेरे जितने भी इंटेंट्स होंगे वो सारे मैं कर दूंगा। अच्छा, हैंड ओवर इसको कहाँ पर करना है वो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप लास्ट सेक्शन में देखें होस्टेड सर्विस में, यहाँ पे होस्टेड सर्विस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा होगा ये कि यार आपने क्या करना है, बॉडी पार्सर लगाना है शुरू में, और बॉडी पार्सर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह करके हैंड ओवर करना है। ठीक है, तो हम ये काम दोनों कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आया नीचे और मैंने यहाँ पर आके बोला इसको ऐप। ठीक है, ये मेरा ऐप डॉट पोस्ट स्लैश वेबहुक जब आए तो रिक्वेस्ट किसको दे दो, ऐप को दे दो। ठीक हो गया, इस तरह करके मैंने क्या कर लिया, ये कर लिया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से करता हूँ जो डॉक्यूमेंट में उन्होंने बताया उससे। ठीक है, वो क्या तरीका होता है मेरा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ ऐप, और जो है ना उसको मैं दे देता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इस तरह करके मैं देता हूँ। ठीक है, उससे मुझे बेनिफिट ये होता है कि इस जगह पे मैं क्या करवा सकता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, कॉन्सोल करवा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से भी ये चलनी चाहिए ऐप, बिल्कुल परफेक्टली चलनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट में इन्होंने थोड़ा कैसे बताया हुआ है, सिंगल लाइनर बताया हुआ है, एक सिंगल लाइन वाली अप्रोच बताई हुई है डॉक्यूमेंट में इन्होंने, लेकिन मैंने जो अप्रोच की है वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि एक्चुअल कर क्या आ रहा है यहाँ पे, ऐप एक फंक्शन है। सही है, जिसको ये जस्ट पास कर रहा है यहाँ पे, बट मैं क्या कर रहा हूँ इस ऐप के फंक्शन को मैं खुद हाथ से वो कर रहा हूँ। अरे ये मैंने इसमें वो क्यों लगाया है? मैंने अलग से जो है ना एक्स्ट्रा
कर्ली ब्रेसेस लग गए थे गलती से यहाँ पे, वो मैंने हटा दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अच्छा, इस तरह से भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम करना चाहिए इसको, और ये मैंने जस्ट इस वजह से किया है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकूँ, रिक्वेस्ट आने वाली जो रिक्वेस्ट की बॉडी है उसको अगर मैं कंसोल करवाना चाहूँ तो मैं करवा के देख सकूँ कि उसमें आ क्या रहा है। अदरवाइज वंस मैं इसको हैंड ओवर कर देता हूँ ना, तो मुझे फिर इस तरह से ये कंसोल करवाना अलाउ नहीं करता ना कि मैं सारी चीज़ें कंसोल करवा सकूँ। और ज़ाहिर है इसके अंदर मेथड्स हैं तो सही कि मैं ऐप डॉट करके वो ना ओरिजिनल रिक्वेस्ट एक होता है इसमें, ओरिजिनल रिक्वेस्ट मैं ले के उसको कंसोल करवा सकता हूँ, बट उस ओरिजिनल रिक्वेस्ट में भी ना वो पूरी बॉडी सम टाइम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होता कि अच्छा यार ये वाकई बॉडी का ही डेटा ला रहा है या अपने हिसाब से कहीं से ला रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंसोल करवाना ज़्यादा रिलायबिलिटी समझता हूँ इसके अंदर। अच्छा ये हो गया जनाब। अब ये करने के बाद मेरा वेबहुक का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो तैयार है, वो रेडी है, लेकिन इस वेबहुक के बेसिक स्ट्रक्चर को मैं जब तक टेस्ट नहीं कर सकता, जब तक मैं क्या कर लूँ अपने पास एक डायलॉग फ्लो की एक एक ऐप ना बना लूँ और उस डायलॉग फ्लो की ऐप को इसके साथ मैं कनेक्ट ना करवा दूँ, जब तक मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर सकता हूँ टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये बन के तो तैयार हो चुका है मेरे पास, लेकिन इसको मुझे टेस्ट भी करना है। ठीक है, और अच्छा बॉडी पार्सर मेरे पास लगा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस का अपना जो बॉडी पार्सर है यानी जेसन वाला, वो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। अच्छा, अब जल्दी से चलते हैं और होटल बुकिंग की हम एक ऐप बना लेते हैं डायलॉग फ्लो में। मैं यहाँ पे जाता हूँ जनाब और मैं कहता हूँ कि एक नया एजेंट बना दें आप, क्रिएट अ न्यू एजेंट। मैंने कहा होटल बुकिंग ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए बनाया था। अच्छा यहाँ पे आ गया ना, मैंने वेलकम इंटेंट में क्या बोला, वेलकम इंटेंट में मैंने वेबहुक की कॉल इनेबल कर दी। मैंने कहा भाई साहब जो भी रिस्पांस आएगा ना वो वेबहुक से ही आएगा, ठीक है, तो मैंने यहीं पे वेबहुक को इनेबल कर दिया। और अब मैं जाता हूँ मेरे डिफ़ॉल्ट फॉल बैक में। मैंने कहा मेरा डिफ़ॉल्ट फॉल बैक भी जो क्या होगा वो भी फुलफिलमेंट से चलेगा, वो ऐसे नहीं चलेगा सीधा सीधा, ठीक है, इसको भी मैंने सेव करवा दिया। अब मुझे फुलफिलमेंट का यूआरएल भी देना पड़ेगा। फुलफिलमेंट का जो यूआरएल है वो मैं कहाँ से इसको दूंगा, जो मेरा अभी एनजी रॉक चल रहा है वही है फुलफिलमेंट का यूआरएल। मैंने कहा फुलफिलमेंट स्लैश वेबहुक और इसको मैंने करवा दिया सेव।
ठीक है, तो अब जब भी इस चैटबॉट से कोई बंदा बात करेगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सीधा मेरे यहाँ पे वेबहुक में पहुँचेगी रिक्वेस्ट। अच्छा, मेरा ये वेबहुक बाय द वे क्रैश हो रहा है किसी वजह से। ऐप इज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, गॉट इट। ये असल में हुआ ये कि एक वेरिएबल ऐप मैंने एक्सप्रेस के लिए भी तो बनाया हुआ है ना, तो इसको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा चेंज। मैं इसको डी एफ ऐप कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डी एफ ऐप, सही है, ताकि मुझे इसका नाम से पता भी चले कि भाई डायलॉग फ्लो ऐप है ये। ठीक है, डी एफ ऐप कर दिया मैंने जहाँ जहाँ पे ये था, सही हो गया जी। अब क्या मसला है? हाँ चल गया, अब तो सही चल गया बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट और डिफ़ॉल्ट फॉल बैक इंटेंट दोनों यहाँ पे बना हुआ है, और दोनों में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स यहाँ से जा रहा है, और मैं इसमें क्या कर देता हूँ एक्सप्रेस डॉट जे एस लगा देता हूँ दोनों रिस्पॉन्स के शुरू में, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई ये रिस्पॉन्स यहीं से मेरे पास जा रहा है। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर। और मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके बोलूँगा इसको हाय। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नोट कीजिएगा आप, अरे ये क्या हुआ, क्रैश हो गया क्या मेरा? हाँ ये क्रैश हो गया ना मेरा वेब। अच्छा, इमेज इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट वेलकम में एक इमेज करके एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है जो कि मिल नहीं रही, तो इसको मैं रिक्वायर कर लेता हूँ, एक्शन ऑन गूगल से ही रिक्वायर होगा। ठीक है, चलो भाई अब खुश हो, चलो अब दोबारा हाय बोल के देखते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स अब बिल्कुल सही आ गया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा रिस्पॉन्स आ रहा है डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे। ये कह रहा है कैन नॉट डिस्प्ले रिस्पॉन्स डायलॉग फ्लो सिमुलेटर, प्लीज़ टेस्ट ऑन गूगल असिस्टेंट सिमुलेटर इंस्टेड। कह रहा है कि जो भाई रिस्पॉन्स आया ना वेबहुक से, वो आया है गूगल असिस्टेंट वाला रिस्पॉन्स, उसको तो यहाँ पे डिस्प्ले मैं नहीं करवा सकता। अगर मैं डायग्नोस्टिक इन्फो में जाके देखूँ और रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेक करूँ, तो देखें यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स आया है, पेलोड आया है, और गूगल के लिए वो आया है पेलोड, किसी और के लिए नहीं आया, तो वो जस्ट गूगल पे ही डिस्प्ले हो सकता है वो पेलोड, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने वहाँ से भेजी हैं। ठीक है, एक्सप्रेस जे एस हाउ इट्स गोइंग ऐसे करके आ रहा है, बेसिक कार्ड एक बना के भेजा हुआ है वहाँ से। ठीक है, फुलफिलमेंट टेक्स्ट जो है वो कैन नॉट डिस्प्ले दिस मैसेज करके आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको गूगल असिस्टेंट पर ज़रा इनेबल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन पे गया और मैंने कहा कि यार क्या करना है, हमने हमने करना है इसको टेस्ट। गूगल असिस्टेंट की तरफ अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो ये वाली जो फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी है, ये स्पेसिफिकली बनाई गई है गूगल असिस्टेंट की ऐप्स के लिए। ठीक है, ये वाली जो लाइब्रेरी है, ये हम आम तौर पे वेब एप्लीकेशन के लिए या दूसरे तरह के उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे SMS, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, उनके लिए ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करते हम। वैसे मैं तो लाइब्रेरी से ही बचता हूँ इन द फर्स्ट प्लेस, कोशिश करता हूँ जेसन यूज़ कर लूँ। ठीक है, वेल, गूगल असिस्टेंट के अंदर जो ये लाइब्रेरी है, ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और काफ़ी आसानी पैदा करती है। तो ये वाली लाइब्रेरी मेरी तरफ से क्या है, रेकमेंडेड है। अच्छा, तो ये भाई आ गया माई टेस्ट ऐप। अच्छा, माई टेस्ट ऐप इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा, मेरे गूगल असिस्टेंट की ऐप का, जो कि अभी अभी क्रिएट हुई है, मेरे गूगल असिस्टेंट वाली जो ऐप है। अब इसको क्या हो गया, अच्छा इसका मैं कोई नाम रख देता हूँ ना, होटल बुकिंग नाम रख देता हूँ इसका मैं, सही है। नाम में गया और मैंने कहा होटल बुकिंग, सेव, ठीक है जी। दोबारा से मैं टेस्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, टॉक टू होटल बुकिंग हो गया अब ये। अच्छा, अब आप नोट करें हमारे पास क्या आ चुका है, एक्सप्रेस जेएस
हाय हाउ इट इज़ गोइंग, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैट। अच्छा यहाँ पे मेरे पास जो है ना पिक्चर कैट की नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो होपफुली जो लिंक उन्होंने भेजा है ना कैट की पिक्चर का, वो एक्सपायर हो चुका है वो लिंक, ठीक है, वो लिंक अभी काम नहीं कर रहा। ये जो इन्होंने लिंक भेजा हुआ है कैट की पिक्चर का, ये लिंक मोस्ट प्रॉबली एक्सपायर हो चुका है। इस लिंक को मैं अलग से ओपन करके देखता हूँ कि इसकी क्या रिपोर्ट है, ठीक है। ये लिंक 404 हो चुका है, ये लिंक एक्सपायर हो चुका है, तो मैं इसकी जगह कोई दूसरा लिंक लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे कार लिखता हूँ, और ये मेरे पास कार की एक फ़ोटो आ चुकी है। इस कार को जो मैं क्या कर देता हूँ, ओपन ओपन इमेज न्यू टैब, और ओपन इमेज न्यू टैब करने से मेरे पास क्या आ जाता है, इस तरह का एक यूआरएल आ जाता है। ओए हाँ सही है, ठीक है, मेरे पास ये यूआरएल आ गया। अब मैं ये यूआरएल भेजता हूँ जो कि फ्रेश यूआरएल है, वो तो एक्सपायर हो चुका है जो उन्होंने लगाया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और मैंने क्या लगा दिया नीचे यहाँ पे टाइटल में, एक कार। अब ज़रा दोबारा जाके मैं यहाँ से बोलता हूँ हाय, एक्सप्रेस JS, हाय हाउ इज इट गोइंग, हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ कैट। सही है, तो ये मेरे पास पिक्चर डिस्प्ले हो गई। अच्छा यहाँ पे टेस्टिंग में ना डिस्प्ले भी ये पूछ रहा है मुझसे कि कौन सा डिस्प्ले पे टेस्ट करना है, तो मैंने बोला कि यार रीसेट करो टेस्टिंग को और मुझे मोबाइल फ़ोन पे चेक कराओ कि फ़ोन पे ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये फ़ोन का सिमुलेटर अब खोल के दिखा रहा होगा आपको, इससे पहले वो स्मार्ट डिस्प्ले का दिखा रहा था, ठीक है। मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, हियर इज द टेस्ट वर्जन ऑफ होटल बुकिंग। एक्सप्रेस JS, हाय हाउ इज इट गोइंग, हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ कैट। ठीक है जी, ये मैंने इसको वेलकम का जो रिस्पांस था मेरे पास, वो मेरे पास परफेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको कुछ रबिश लिख के भेजूँगा ऐसे, तो फॉल बैक में जो भी लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा। एक्सप्रेस JS, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू टेल मी समथिंग एल्स। ठीक है, एक्सप्रेस JS इसको समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है। अच्छा तो इस पॉइंट पे मैंने क्या कर लिया है, मैंने एक अदद आपके जो डायलॉग फ्लो की ऐप तैयार कर ली है, एक अदद मैंने, और उस डायलॉग फ्लो की ऐप को मैंने गूगल असिस्टेंट में ओपन भी कर लिया, उसको एक वेबहुक से मैंने कनेक्ट भी कर दिया, ठीक है। अच्छा अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आज की क्लास में मेरा टारगेट है कि हमें समझनी है। नंबर एक, क्योंकि गूगल असिस्टेंट हमारा जो है वो अलेक्सा की तरह एक ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हमें बंदे का नाम और ईमेल गेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, बंदे का नाम और ईमेल गेट करते हैं। किस पॉइंट पे गेट करते हैं, जैसे ही वो लॉगिन, जैसे ही वो ऐप से बात करना शुरू करें ना, वैसे ही मैं क्या करूँगा, उसका नाम और ईमेल गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले तो ये कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे जो शायद आज की क्लास में ना हो पाए, इसके रिच रिस्पॉन्स को एक एक करके हम डिस्कवर करेंगे जो गूगल असिस्टेंट में मौजूद है। अच्छा अब मुझे बंदे का जो है ना क्या करना है, ईमेल गेट करनी है मुझे बंदे की। मैं आऊँगा डायलॉग फ्लो में, और मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे बोलना है कि डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट में क्या कर दो, साइन इन रिक्वायर्ड कर दो, ठीक है। साइन इन आप पहले पूछो उससे कि भाई साइन इन करो आप। अच्छा साइन इन हम किससे करवाएंगे, गूगल के अकाउंट से साइन इन करवाएंगे, ठीक है। ये कि उन्होंने बिल्ट इन एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी ऐप जो है वो गूगल से साइन इन हो सकती है ऑटोमेटिकली। जैसे बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते होंगे यार लॉग इन विद गूगल या साइन अप विद गूगल, तो वही सेम ऑप्शन है ये एक्चुअली। चल भाई आगे बढ़। अच्छा तो मैंने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे साइन इन रिक्वायर्ड करके ना मैंने यहाँ पे, वैसे कोई एरर आ गया है पता नहीं किस बात का। ठीक है जी, मैं ओवरव्यू में गया। ये अकाउंट लिंकिंग का जो ऑप्शन है मेरे पास कहाँ पे, डेवलप में।
एक तो मैंने डायलॉग फ्लो में ये चेक लगा दिया साइन इन रिक्वायर्ड, उसके बाद मैं अब यहाँ गूगल असिस्टेंट के जो एक्शंस ऑन गूगल कॉन्सोल है उसमें क्या करूँगा, डेवलप में जाऊँगा, अकाउंट लिंकिंग पे क्लिक करूँगा जाके, और अकाउंट लिंकिंग पे क्लिक करने के बाद मैं उसको बोलूँगा यस डू यू वॉन्ट टू अलाउ यूज़र टू साइन इन। अच्छा इसको इनेबल करना पड़ेगा ऊपर से पहले, फिर इसको करना पड़ेगा मुझे यस। मैंने कहा नेक्स्ट, अकाउंट लिंकिंग की टाइप मैंने कहा गूगल साइन इन। अच्छा इसमें ओऑथ भी लगा सकते हैं, ओऑथ मतलब आपकी अगर कोई खुद की वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट है, तो जैसे अभी लॉग इन विद गिटहब है, लॉग इन विद ट्विटर है, ठीक है ना, इस तरह की अपनी अपनी कोई आपकी पिज़्ज़ा की शॉप है, तो आप चाहते हैं लॉग इन विद पिज़्ज़ा हट, तो ये नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है। वेल अभी हम ये नहीं चाहते, अभी हम ये चाहते हैं कि यूज़र का जो गूगल का अकाउंट है ना उससे वो साइन अप करे, क्योंकि हमारे केस में एक तो हमारी इस तरह की कोई ऐप नहीं है जिसमें पहले से यूज़र मेरा साइन अप हो, ठीक है। अच्छा फिर ये वाला सेकंड लगाने में ना एक इसमें ड्रॉबैक ये रहता है कि आपकी जो खुद की पिज़्ज़ा हट की वेबसाइट है, पिज़्ज़ा हट लॉग इन विद पिज़्ज़ा हट तो बोल दिया आपने, लेकिन उस बंदे का तो पिज़्ज़ा हट पे भी अकाउंट नहीं बना हुआ ना, तो जब वो क्लिक करेगा तो फिर पिज़्ज़ा हट पे पहले उसको अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो आपकी ऐप यूज़ कर पाएगा, ठीक है। वेल कुछ केसेस में ये बहुत फ़ायदेमंद भी रहता है, क्योंकि पिज़्ज़ा हट में आप अकाउंट बनवा लेते हैं उससे, आपकी जो खुद की ऐप है तो उसमें आप उसका एड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ले लेते हैं, तो आपको ना वो बाद में फिर पूछना नहीं पड़ता है, ठीक है। वेल अभी हम इस वक्त गूगल साइन इन यूज़ करेंगे जो सबसे क्विक है और जो सबसे सही है। उसके बाद मैं ये आईडी को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, इस क्लाइंट आईडी को, अच्छा ये क्लाइंट, और इसको सेव कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। ये क्लाइंट आईडी मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, ये क्लाइंट आईडी मैं पास करूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्लाइंट आईडी, ठीक है, इस तरह करके मैंने यहाँ पे क्लाइंट आईडी पास कर दी, ठीक है। ये ज़रूरी है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ पे नाम और ईमेल एड्रेस बंदे का नहीं मिलेगा, ठीक हो गया जी। आई थिंक एवरीथिंग इज सेट। अब मैं टेस्ट में चला जाता हूँ। मैंने दो चीज़ें की हैं, डायलॉग फ्लो पे जाके मैंने साइन इन रिक्वायर्ड पे चेक लगाया है, एक्शन के कॉन्सोल पे आके मैंने डेवलप में जाके गूगल साइन इन का सेटअप किया है, और वहाँ से मैंने क्या किया, क्लाइंट आईडी कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, इस जगह पे लगा दिया। अच्छा अब मैं जब करूँगा ना टॉक टू होटल बुकिंग ऐप, ठीक है, अब मैं जब टॉक टू होटल बुकिंग ऐप करूँगा तो मुझसे ये क्या बोलेगा, बिफोर यू कैन यूज़ होटल बुकिंग यू विल नीड टू मेक एन अकाउंट, ठीक है, और अभी आप इसको यस बोलना है सिर्फ आपने, ठीक है। देखो यहाँ पे सजेशन में यस नो भी बता रहा है, मैं यस बोलूँगा मेरा ये अकाउंट क्रिएट भी कर देगा, मुझे ईमेल के जरिए इन्फॉर्म भी कर देगा कि आपका अकाउंट बन गया। देयर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड देयर प्राइवेसी पॉलिसी आर ऑन देयर वेबसाइट नाउ, रेडी टू मेक योर न्यू होटल बुकिंग अकाउंट? यस आई एम रेडी। सही है जी, दो दफा मुझे एक्चुअली यस बोलना पड़ रहा है। ग्रेट, योर न्यू होटल बुकिंग अकाउंट इज सेट अप, आई विल सेंड यू अ कंफर्मेशन ईमेल सून। ओके, लेट्स गेट द टेस्ट वर्जन ऑफ होटल बुकिंग। एक्सप्रेस JS, hi, how is it going? Here's a picture of a cat. ठीक है जी, तो पहले इसने आपको जो है ना आपका अकाउंट क्रिएट करवाया, उसके बाद आपने आपको ना इसने ऐप यूज़ करने के लिए दिए, उससे पहले ऐप यूज़ करने नहीं दिए इसने। अच्छा अब वहाँ से जो रिक्वेस्ट आई होगी ना मेरे पास इस जगह पर, मेरे वेबहुक पर, उस रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास क्या आया होगा, बंदे का नाम, ईमेल और उसकी इमेज, जो प्रोफाइल पिक्चर है पब्लिक, ये तीन चीज़ें आई होंगी। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे अब क्या करनी है, गेट करनी है। तो ये तीन चीज़ें मैं कैसे गेट करूँगा, मैं कहूँगा कॉन्वो डॉट, और इसमें अब देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, कॉन्वो डॉट यूज़र डॉट यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है, ये ईमेल मिल गई मुझे। अच्छा यूज़र डॉट नेम, ठीक है, ये मुझे नेम मिल गया यहाँ पे। तीनों इनको कॉन्सोल करवाऊँगा मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, और मुझे क्या मिल जाता है, प्रोफाइल मिल जाता है जो कि प्रोफाइल पिक्चर है। अच्छा console.log,
ठीक है, कॉन्वो डॉट यूज़र को एक तो मैंने कॉन्सोल करवा लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, ये तीनों जो थे इनको भी क्या करवा लिया मैंने, सही है, इन सारी चीज़ों को मैंने कॉन्सोल करवा लिया। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कॉन्वो डॉट यूज़र के अंदर मुझे आया कि कौन कौन सी ऐसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उस बंदे की जो मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैं अब थोड़ा वेलकम मैसेज भी चेंज कर देता हूँ। हाय आई एम योर होटल बुकिंग असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, अच्छा हाय के बाद जो है ना मैं क्या लगा देता हूँ, उस बंदे का नाम भी लगा देता हूँ थोड़ा स्वैग बढ़ाने के लिए। मैंने कहा हाय के बाद क्या लगा दो, उस बंदे का ना नाम लगा दो यहाँ पे। ठीक है, कॉन्वो डॉट यूज़र डॉट नेम, ये मैंने नाम भी लगा दिया। तो अभी जो भी होगा ना, जैसे मेरा नाम है हाय इंजमाम करके मुझे बोल रहा होगा ये। ठीक है, और फिर हम ये कॉन्सोल पर आके देख भी लेंगे कि मेरे पास प्रिंट क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आके उसको बोलता हूँ हाय, अगर तो मुझे मेरे नाम से अभी रिप्लाई करेगा। Hi, object object. I am your hotel booking assistant. How can I help you? Here's a picture of a cat. Hi, object object. अच्छा, तो भाई इसने ना मुझे इतना सारा कुछ यहाँ पे दिया है। convo.user.email में ना मुझे पूरा मेरा ईमेल मिल रहा है। ठीक है, अच्छा convo.user.name में मुझे क्या मिल रहा है, डिस्प्ले नेम, फैमिली नेम और गिवन नेम, ये तीन चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, बट इसको तीनों नहीं मिला है मेरा, पता नहीं क्यों, मैं शायद परमिशन नहीं दी मैंने सही। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे मेरा नेम मिल रहा है, इंजमाम मलिक। ठीक है, तो मैं इस वाले नेम को लगा देता हूँ उसकी जगह पे। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर भी मेरी मिल रही है, ये URL मुझे दिया है। इस URL को मैं ज़रा खोल के देखता हूँ इनकॉग्निटो में कि ये क्या है इसके अंदर। मैं गया फाइल, मैंने कहा प्राइवेट विंडो, और प्राइवेट विंडो में मैंने इस लिंक को खोला। सही है यार, पिक्चर भी मेरी दे रहा है ये, सही है, ग्रेट। तो अब मैं देखता हूँ ये ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ मिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है यूज़र डॉट कॉन्वो डॉट प्रोफाइल में मिल रहा है मुझे ये, सही है, यूज़र डॉट कॉन्वो डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल, और प्रोफाइल में डॉट टोकन और डॉट नेम, टोकन डॉट पेलोड डॉट, नहीं टोकन है एक प्रोफाइल के अंदर। अच्छा डायरेक्ट करके मेरे पास पेलोड है, तो मैं प्रोफाइल पे डायरेक्ट क्या लगाता हूँ, डॉट पेलोड लगाता हूँ, और पेलोड पे क्या लगाता हूँ मैं, डॉट नेम लगाता हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरा एक्चुअली फिर मुझे नेम इस तरह से मिल रहा होता है। ओके, ठीक है, आप चेक करते हैं जी मुझे ये मेरे नाम से बुलाता है या नहीं बुलाता। Hi Insamam Malik, I am your hotel booking assistant. How can I help you? Here's a picture of a cat. अच्छा, पिक्चर में भी है ना, मैं अपनी पिक्चर दिखा देता हूँ इसको। अपनी पिक्चर में कैसे दिखाऊंगा इसको, यहीं पे ना वही लगा देता हूँ जो मुझे URL इसने दिया है ना अभी अभी, इस जगह पे वही URL लगा देता हूँ। सही है, डॉट क्या है, पिक्चर है, सही है, मैं बोलूँगा हेयर इज़ अ, हेयर इज़ योर पिक्चर। जस्ट जस्ट फॉर फन, जस्ट टू ट्राई इट आउट। ठीक है, मैंने वही प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया जो अभी अभी मुझे मिला है सामने से। अब मैं इसको यहाँ से जब हाय बोलूँगा, मतलब हाय नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा टॉक टू होटल बुकिंग, अभी तो चूंकि वो कन्वर्सेशन में है ना, तो इसलिए हाय बोलने से भी। Hi Insamam Malik, I am your hotel booking assistant. How can I help you? Here is your profile picture. अच्छा, पिक्चर मुझे काफ़ी छोटी दिखी है मेरी, क्या मैं इस URL को थोड़ा सा ट्वीक करूँगा तो ये पिक्चर मुझे बड़ी देगा? क्या मुझे ये पिक्चर बड़ी देगा? ये S96 करके जो लिखा हुआ है ना URL में, मुझे लग रहा है इसका कोई चक्कर है, इसको मैं हटाऊंगा ना तो फुल साइज़ की देगा फिर ये इमेज मुझे। वेल,
अच्छा आगे हम क्या करने वाले थे अब? हाँ इसको फ़ोन पे देखते हैं ना चला के, ये तो हमने देख लिया बड़े डिस्प्ले पे, इसको हमें फोन। इसमें अगर हमें सिर्फ फर्स्ट नेम अगर इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? यार आमतौर पे ना वैसे ये फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम तीनों अलग अलग दे रहा होता है, लेकिन मेरे केस Okay. में इसको मिल Here's नहीं the रहा। test version of hotel booking. Hi, Insam M. Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? Here's your profile picture. ये ना इसको मिल नहीं रहा मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सब ना। अनडिफाइन मिल रहा है, यहाँ पे मिलता है नेम ना, तो ये जो गिवन नेम है ना इसको फर्स्ट नेम बोलते हैं ये लोग, और फैमिली नेम को बोलते हैं लास्ट नेम, और डिस्प्ले नेम में ना वो दोनों मिला के आ रहा होता है। अच्छा इसमें मैं और कुछ कुछ ट्राई करता हूँ, यूज़र डॉट ईमेल है ना इसमें, यूज़र डॉट करके देखता हूँ और क्या मुझे दे रहा है ये। अच्छा ये बाय द वे टोकन भी आपको देता है ना, इस टोकन से आप डायरेक्ट भी गेट कर सकते हैं, आप गूगल की एपीआई ना कॉल करके ये टोकन देके डायरेक्ट भी गेट कर सकते हैं, जिस तरह अलेक्सा में हमने किया था लास्ट। ये नहीं समझ आई बात। देखिए एक तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको डेटा भी दे रहा है, दूसरा आपको ये टोकन भी दे रहा है, इस यूज़र का ना टोकन भी दे रहा है कि इस यूज़र की जो पब्लिक डिटेल्स जितनी भी हैं, इसकी एज है, इसके इंटरेस्ट हैं, वो भी आप इसके टोकन के ज़रिए गेट कर सकते हो। अच्छा तो ये कैसे करेंगे? ये मैंने भी कभी करके नहीं देखा, बट एपीआई कॉल होगी गूगल वाली ना, जो जो गूगल की जो यूज़र के जो डेटा को गेट करने के लिए हम एपीआई कॉल करते हैं ना, वो वाली होगी। अच्छा अभी हम इसमें क्या लगाने वाले थे, यूज़र डॉट फर्स्ट एंड लास्ट भी इसमें एक आ रहा होता है। अच्छा मुझे यूज़र मिल रहा है ईमेल, एंटाइटलमेंट्स, लास्ट नेम, परमिशंस। अच्छा परमिशन में मुझे वो मिलेगा कि यूज़र ने मुझे क्या क्या परमिशन दी हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पब्लिक परमिशन सारी होती है। अच्छा इसमें रॉ करके भी मुझे मिल सकता है, ये रॉ करूँगा तो मुझे पूरा जेसन मिल जाना चाहिए, तो मैं ज़रा रॉ करके देखता हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें और मिल रही हैं। Hi, Insam M. Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? अच्छा, Here's अभी your मैंने profile picture. रॉ को प्रिंट किया है, रॉ को प्रिंट किस पे किया है, कॉन्वो डॉट यूज़र पे प्रिंट किया है, तो कॉन्वो डॉट यूज़र ये है। अब ये मेरे पास रॉ चीज़ प्रिंट हो गई है, एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन के बाद लोकेल, आईडी टोकन, और मुझे रॉ में क्या क्या दिया है इसने, यूज़र वेरीफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड, बस इतना ही दिया है मुझे रॉ में इसने, ईमेल नेम। अच्छा काइंडली आप में से जो है ना आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको, जो ये वाला पार्ट है बताइएगा मुझे कि आपके पास भी क्या ये अनडिफाइन आ रहा है, मेरे पास ये अनफॉर्चुनेटली अनडिफाइन आ रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई बट अनडिफाइन आ रहा है मेरे पास ये। अच्छा तो इस पॉइंट पे मैंने क्या कर लिया, यूज़र का ईमेल गेट कर लिया, यूज़र का नाम गेट कर लिया, यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर गेट कर ली। अच्छा इससे ज़्यादा चीज़ें मुझे यूज़र की इसमें नहीं मिलेंगी गूगल असिस्टेंट में, उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो डिवेलप में जाके ये वाला ना क्विक गूगल साइन इन, मुझे यहाँ पे ना ओ ऑथ वाला गूगल का साइन इन लगाना पड़ेगा। जब मैं ओ ऑथ वाला लगाऊंगा तो जब बंदा साइन इन करेगा ना उसके पास बकायदा फिर स्क्रीन खुलती है ना, और स्क्रीन में जो जो आपने परमिशंस लेनी होती हैं वो सारी परमिशंस उसके पास जो क्या हो रही होती है, शो हो रही होती है, ठीक है, ग्रांट्स आपके शो हो रहे होते हैं कि कौन कौन से ग्रांट्स आपने लगाए हुए हैं, ठीक है। वेल इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है कि बाकायदा एक सर्विस अकाउंट सेट करना होता है, उसके परमिशंस लगानी पड़ती हैं, जो ओ ऑथ गूगल का अपना है वो पूरा आपको प्रॉपर सेट करना पड़ता है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि हमें बंदे की ना ईमेल चाहिए होती है, ईमेल गेट करना होता है हमें बंदे का, और नाम उसका गेट करना होता है उसको कॉल करने के लिए, ईमेल नोटिफिकेशन के लिए हम आमतौर पे गेट कर रहे होते हैं, तो इन दो चीज़ों से आमतौर पे हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। वेल अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें गूगल का ओऑथ भी लगाते हैं, ठीक है, वो आप
बहुत सिंपल सा है, जो गूगल के ओऑथ की डिटेल्स हैं सारी वो आप उसमें इंसर्ट करके आप बस सेव कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली गूगल उसको संभाल रहा होता है बैकएंड पे। और ईमेल हमें अभी मिल ही रहा था। हाँ ईमेल अभी हमें मिल रहा है। सही। अच्छा सही। अब क्या ख्याल है कि इसके रिच रिस्पॉन्सेस को डिस्कवर कर लिया जाए, क्योंकि कुछ तो इन्होंने बात यहाँ पे की हुई है, इमेज जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ रहा है देख लिया हमने, फिर कैरोसेल कार्ड्स वगैरह हैं थोड़े थोड़े, तीन चार तरह के कार्ड हैं इनके अलग अलग, फिर इनकी सजेशन चिप्स हैं, तो वो सारे क्या अभी हम एक्सप्लोर कर लें या वो हम नेक्स्ट क्लास की तरफ कर दें जैसा आप लोग कहें, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है आप भी एग्जॉस्ट हो गए होंगे, हमारे पास बंदे भी एक ही बचे हैं उमेर भाई बस बाकी सारे शायद चले गए। हाँ मेरे ख्याल से अगली बार कर लेते हैं। हाँ चलें फिर हम अगली बार इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। इस जो आज की क्लास में हमने गूगल असिस्टेंट वाली चीज़ें की हैं, काइंडली इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं ये चाहता हूँ कि इसके हवाले से आप प्रैक्टिस करें और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएँ उस नेक्स्ट क्लास में आप सवालात करके वो क्वेश्चन अपने क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि वंस अगर ये क्लास अब कम्प्लीट हो जाती है फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो शायद ना उस तरह से आपको हेल्प, तो मैं करने के लिए हर वक्त रेडी होता हूँ, मसला नहीं है, आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं कभी ना कभी रिप्लाई कर ही दूंगा आपको, बट उस तरह से हेल्प नहीं मिल पाएगी जैसे अगर आप कल की क्लास में, यानी जो नेक्स्ट अभी कमिंग है आपकी, कल छोड़ के परसों जो क्लास है अभी, उसमें आप अगर मुझसे सवाल पूछेंगे ना तो फिर वो उसका जवाब देने में भी अच्छा लगेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग पर भी आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए भी हेल्प रहेगी जो कल को बाद में कोई अगर रिकॉर्डिंग देखता है वो, ठीक है जी, तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी। अच्छा सर वो जी जी हाँ। लाइक मेरी तो जो बीच में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, मतलब रिक्वेस्ट क्या है, मैंने एक आपसे क्वेश्चन किया था जी, तो जी। वो इसी हवाले से था कि जैसे हमारी क्लास मिस हो रही है ना रमजान में, तो ऑलमोस्ट मिस ही हुई है सारा पूरा महीना ही मिस हुआ, तो जाहिर बात है आप पुरानी क्लासे देखेंगे फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, अभी तो खैर टाइम है तो मैं भी सेशन में बैठा हूँ, लेकिन सच्ची और सीधी बात ये है कि अभी कुछ समझ में ज़्यादा इतना आ नहीं रहा है क्योंकि पुरानी क्लासे मिस हुई हैं, तो पूछने का मकसद वो सवाल यही था उस वक्त के आप क्लास के बाद या ईद के बाद जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप अवेलेबल होंगे कि आप अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको फिर क्लियर कर सकें आपसे पर्सनली इंडिविजुअली या जैसे भी पॉसिबल हो, क्योंकि प्रैक्टिस जो होगी वो बाद में ही होती है जो हमारी मिसिंग हो गई है क्लास, तो इस हवाले से थोड़ा सा वो गाइड कर देंगे। मैं बता देता हूँ आपको इस हवाले से, देखिए जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है ना वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो रहेगा अपने इन प्लेस रहेगा, वहाँ पे आप कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो भी ऑफ कोर्स आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं भी, आप मुझे मेंशन कीजिएगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, तो मैं भी उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वो कोर्स से मैटर नहीं करता, वो कभी भी हमेशा रहेगा फिर वो। उसके अलावा फेसबुक पर मैंने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है आस्क इंजमाम के नाम से, तो उसमें भी ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो असल में बनाया ही मैंने इसीलिए कि कोई भी जनरल मुझसे प्रोग्रामिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से क्वेश्चन पूछना है तो वो ग्रुप है मौजूद, ठीक है। अच्छा तो ये वाली बात हो गई। दूसरा ये कि अगर आप तो कोई बहुत ही इमरजेंसी वाला मसला पड़ जाता है, मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बीच में आप स्टक हो गए हैं और वहाँ आपको पता नहीं चल रहा और क्लाइंट भी आपके सर पर खड़ा हुआ है, तो फिर तो मैं आपको वीडियो कॉल पर लेके भी आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है ना, वो तो कोई मसले की बात नहीं है, जस्ट इन केस बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस की हद तक जो है मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं प्रैक्टिस को लेकर और इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरा ख्याल है उसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप व्हाट्सएप पे ना उसकी वीडियो बनाएं स्क्रीन की कि सर मैं ये कर रहा हूँ और एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट मेरा नहीं आ रहा, और वो आप पोस्ट करें फेसबुक जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसके ऊपर या फेसबुक वाले ग्रुप के ऊपर जो आस्क इंजमाम है, तो वो सारे लोग जो मौजूद हैं वो भी हेल्प करेंगे, मैं भी इंशाल्लाह हेल्प करूँगा, सही रहेगा। चलें जी फिर मुलाकात रहेगी आपसे अगली क्लास में। अल्लाह ये आज की रिकॉर्डिंग प्लीज अपलोड कर दीजिए। हाँ हाँ मैं लगा दूंगा। थैंक यू सर, बाय बाय।